Good morning to all of you. Screen. Okay. And there's a module number next 7. So today in the lecture, we will be first discussing some type of questions of thermal expansion. उसके बाद फिर आपके जो डाउट्स होंगे उनको हम लोग कंसीडर करेंगे. ये सॉफ्ट कॉपी सभी के पास होगी. इस पे जो फर्स्ट पोर्शन है वो थर्मल एक्सपेंशन है. इस पर कुछ टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, तो उन टाइप को एक बार हम लोग देख लेंगे. हालांकि उसको इसमें एज एग्जांपल मेंशन किया गया है, सो हम लोग इसी से ही वॉच कर लेते हैं. हम लोगों ने लीनियर एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा हुआ था, यू नो कि किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं, अल्फा के वेरिएशन से किस तरह से हम उसको लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हो. पर्टिकुलरली जैसे ये क्वेश्चन है मल्टीपल स्ट्रिप्स का, तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, और अगर आप चाहेंगे तो उस तरह का क्वेश्चन भी कर लेंगे, और फिर इसके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेगा. जैसे एग्जांपल नंबर 7 है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोलेगा कि अपने पास 3 स्ट्रिप्स हैं या फिर रॉड्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया, तो और इनको किस तरह से कनेक्ट किया गया, ये वाले पोर्शन को वेल्ड कर लिया गया, ये वाले पोर्शन को वेल्ड कर लिया गया. और जो इस तरह से पूछेगा तो लेस कॉम्प्लिकेशंस लाने के लिए वो क्या करेगा, बोलेगा कि टॉप का और बॉटम का जो स्ट्रिप है या जो रॉड है वो सेम मटेरियल का बना हुआ है. मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या है, सोल्यूशन उसमें दिया गया है, वो आप देख सकते हो. अगर अपसाइड का और डाउन साइड का मटेरियल सेम रहेगा और बीच का डिफरेंट रहेगा, और फिर इस पूरे सिस्टम को अगर आप हीट करते हो आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी, फिर अपने को लेंथ पता करना होगा. आप जानते हो किसी भी रॉड को अगर हीट करते हो तो उसकी लेंथ इंक्रीज करती है, तो फर्स्ट की भी इंक्रीज करेगी, सेकेंड की भी इंक्रीज करेगी, थर्ड की भी इंक्रीज करेगी. फर्स्ट और थर्ड की जो इंक्रीज करेगी वो इक्वल अमाउंट की करेगी, लेकिन सेकेंड की जो होगी वो डिफरेंट अमाउंट की करेगी. तो अभी इनके बीच का जो लेंथ है, इनका जो लेंथ है वो बराबर जा रहा था, बाद में आप पाओगे कि इनका लेंथ अलग अलग जाएगा अगर ये फ्री होंगे तो. इसको वेल्ड कर रखा है, देन यू रियलाइज कि अगर सपोज कर लीजिए कि अल्फा भी बड़ा है तो ये ज्यादा लेंथ गेन करना चाहेगा, लेकिन ये कम लेंथ गेन करना चाहेंगे नेचुरली अगर ये फ्री हो. सो इससे क्या होगा, फिर होगा कुछ कि इन दोनों में एडजस्टमेंट्स आएंगे. ये जो बी का ज्यादा लेंथ हो रहा है उसको कम करवाएगा, इसके लेंथ को बढ़वाएगा, फिर एक एडजस्टमेंट कहीं पे बनेगा. सो जो फाइनल फिगर बनेगी उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि फाइनल क्या बनेगा. सो उसको यहाँ पे सॉल्व करके दिया है. कैसे सॉल्व करते हैं वो हम पता कर सकते हैं कि ये जितना बढ़ेगा उतना तो हम पता कर लेंगे. इसके बाद में कंप्रोमाइज कर रहा होगा उसको पता कर लेंगे, सेकेंड वाला कितना कंप्रोमाइज कर रहा होगा उसको पता कर लेंगे, और थर्ड वाला सिमिलरली कितना कंप्रोमाइज कर रहा होगा उसको पता कर लेंगे. फिर जो फाइनल लेंथ आएगी वो सबके लिए बराबर हो जाएगी. सो अगर जो कंप्रोमाइज आ रहा होगा वो किसके बराबर जा रहा होगा, वो स्ट्रेन के बराबर जा रहा होगा. तो स्ट्रेन को हम डिफाइन कर चेंज इन लेंथ, जो फोर्सफुली चेंज इन लेंथ हुआ है वो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई जो उसका फ्रीडम के साथ होता. सो हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि लेट्स से कि इसका जो फ्रीडम के साथ बनने वाला था वो ये था, फर्स्ट वाले का ए ब्लॉक का, और इनिशियली ये एल नॉट था, अब ये बनेगा लेट्स से एल ए डैश, इसी के सिंबल को मैं यूज कर ले रहा हूँ. इन केस ये इंडिपेंडेंट होता तो ये बन जाता, यानी कितना ग्रो कर जाता, एल ए डैश माइनस एल नॉट, ये इसकी फाइनल लेंथ हम बता रहे हैं. लेकिन इसने पूछा है कि सिस्टम की कितनी लेंथ होगी, तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि एल नॉट डैश ये फाइनल लेंथ बनती है. सो फ्रीडम के साथ ये बनने वाला था, फिर
एक्चुअली में जो फाइनली दिस बनेगा वो ये बनेगा, उसी एक का जो फाइनल स्टेटस है वो ये, मैं एक का दो अलग अलग पिक्चर में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसका मतलब है ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इतना एक को एक्स्ट्रा होना पड़ा है बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन इन द सिस्टम। सो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये डिफरेंस इन ए आर है, इसी की वजह से स्ट्रेन आएगा। सो हाउ द स्ट्रेन विल बी रिटन देन, स्ट्रेन विल बी रिटन देन कि ये जितना एक्स्ट्रा लेंथ गया डिवाइड बाई जितना इसका एक्चुअल था आफ्टर टेम्परेचर राइज। सो डेल्टा एल, इसको आप लिख सकते हो दिस इज डेल्टा एल ए डिवाइड बाई ओरिजिनल, दैट इज एल ए डैश काइंड ऑफ, ये ओरिजिनल है और ये आफ्टर फोर्स है या फिर ये स्ट्रेन की वजह से। नाउ तो फिर डेल्टा एल को कैसे लिखेंगे, एल नॉट डैश माइनस एल ए डैश, तो उसी को एल नॉट डैश माइनस एल ए डैश लिखा गया। सो पॉइंट इज कि स्ट्रेन इन ए हम निकाल सकते हैं, फिर क्या हम स्ट्रेन इन बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल बी के साथ भी ऐसे ही रहा होगा, बी की जो एक्चुअल लेंथ बन था वो ज्यादा बन था लेकिन उसको ना कंप्रोमाइज हुआ है अभी। सो ये कंप्रोमाइज लेंथ कितनी होगी, दिस माइनस दिस, तो उसको यहाँ एक्चुअल इसकी एक्सपेंशन के बाद ये रहती है तो ये एक्चुअल हो जाएगी, तो स्ट्रेन इस पे निकाल लिया। और लास्ट वाले पे आप देखोगे लास्ट का फर्स्ट का एग्जैक्टली सिमिलर चल रहा है तो उसको कर सकते हैं। नाउ बैलेंस कर सकते हैं फोर्स बैलेंस, क्योंकि जितना फोर्स इस पर इसको पुल करने में लग रहा होगा उतना ही फोर्स इसको इधर पुल करने में लग रहा होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, आई होप यू कैन थिंक ऑफ। और अगर ये फोर्सेस अपने को पता चल जा रहे हैं, टेंसाइल फोर्सेस जो लग रहे थे या कंप्रेसिव फोर्सेस जो लग रहे थे, तो स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट की स्ट्रेस कितनी आएगी, फोर्स बाई ए, स्ट्रेस को हम लोग कैसे लिखते हैं, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, ये वाई जो दिया गया है यंग मॉडुलस है। और इनटू ये क्या लिखा गया है, ये स्ट्रेन लिखा गया है। तो अपने पास एक्सप्रेशन होता है ना, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, उसी को यूज किया गया। ये गामा जैसा दिख रहा है वो गामा नहीं है, ये वाई है और ए का है क्योंकि ए मटेरियल के लिए हम लोग लिख रहे हैं। अब बी के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर गामा बी आ जाएगा, तो सेम स्ट्रेन लिखा स्ट्रेस लिखा जा सकता है फॉर बी, दिस इज गोइंग टू बी वाई ऑफ बी, यंग मॉडुलस ऑफ बी। और ये जो बी में स्ट्रेन आया था, बी का स्ट्रेन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है, ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन बन जाएगा जो कि नेक्स्ट स्लाइड में होगा कहीं। फिर दोनों को हम इक्वेट करा देंगे क्योंकि दोनों के स्ट्रेस कॉमन है, बिकॉज एरिया कॉमन, दोनों के ए सभी के एरिया ए दिया गया है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, सो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। एज सुन एज यू कंपेयर दीज टू, अपने को एक रिलेशन मिल जाएगा और उससे उस रिलेशन से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये जो फाइनल लेंथ एल और डैश है वो कितनी हो जा रही है, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया होगा। अच्छा इसको और भी करेक्ट कर लेते हैं, ये ए के बारे में देखो एक फोर्स लग रहा होगा, बी के बारे में देखोगे तो दो फोर्स लगेंगे, मैंने एक ही पार्ट दिखाया था उसका। अगर आप बी को ड्रॉ करोगे तो बी में एक फोर्स इधर लग रहा होगा, इसकी वजह से एक फोर्स इधर लग रहा होगा, ये भी एफ होगा ये भी एफ होगा, तो उसकी जो स्ट्रेस हो जाएगी वो ट्वाइस एफ बाई होगी। सो ये प्रीवियस को मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, ये ट्वाइस एफ आएगा क्यों, क्योंकि दो फोर्स लगेंगे, यहाँ पर भी फोर्स एक्ट लग रहा होगा। ये पॉइंट समझ में आया, दो फोर्स क्यों लग रहे होंगे, क्योंकि दोनों के एक साथ कॉन्टेक्ट चल रहा है, दीज टू फोर्सेस, एंड देन आफ्टर दोनों को इक्वेट करा दो। जैसे इक्वेट कराओगे सिंप्लीफाई करोगे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन मिल जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन जो है हमारे हमारे लिए सिंपली इतना बताना चाह रहा है कि हम एक रिलेशन गेन कर सकते हैं। जब आप इसको बैलेंस कर रहे होगे तो आपके एक दिमाग में ये जरूर रहेगा कि ये जो एल डेस बी है वो कितना होगा, एल डेस ए कितना होगा, तो जो एल डेस ए है या एल डेस बी है ये टेम्परेचर बढ़ाने के बाद की फ्रीडम वाली लेंथ रही होंगी, तो ये एल ए की जो ओरिजिनल लेंथ थी वन प्लस एल्फा ए डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा थर्मल एक्सपेंशन, ये ओरिजिनल लेंथ जो थी सिस्टम की वन प्लस एल्फा बी डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा, इनको भी उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन आ जाता है। ये सिंपली आइडिया देने के लिए कि किस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं, अगर ब्लॉक्स को कंबाइन कर दिया गया, एक ज्यादा एक्सपेंड करना चाह रहा है एक कम एक्सपेंड करना चाह रहा है, तो जो कम एक्सपेंड करना चाह रहा है
उसको ज्यादा एक्सपेंड करने वाला फोर्सफुली थोड़ा और एक्सटेंड कराएगा, यानी इसमें स्ट्रेन डेवलप करवाएगा, और जो ज्यादा एक्सपेंड होने वाला है उसको कम एक्सपेंड होने वाला फोर्सफुली स्ट्रेन दिला करके एक्सपेंशन को कम कर देगा, और ऐसा करेगा कि बाद आपस में दोनों का लेंथ जो है फाइनल लेंथ है वो बराबर हो जाता है। सो फाइंड द स्ट्रेस और एफ बाई ए, और एफ बेसिकली फर्स्ट से एफ कैलकुलेट कीजिए, सेकेंड से एफ कैलकुलेट कीजिए, फिर दोनों एफ को इक्वेट करा दीजिए, ये अपना क्रैक स्पैन रहने वाला है। नहीं समझा, फिर से मैं बोल देता हूँ। ये जो L नॉट है ये इनिशियल लेंथ है पूरे सिस्टम की, इनिशियल लेंथ है, तो A हो या B हो दोनों की लेंथ L नॉट रही होगी। फिर हमने ये माना कि अगर हमारे पास केवल एक होता A और ये एक्सपेंड किया गया होता है, फॉरगेट अबाउट बी एंड ए कॉम्बिनेशन, तो इसीलिए मैंने ये पिक्चर बनाया। सपोज कर लिया अपने पास केवल ए रहा होता, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाएंगे तो उसकी फाइनल लेंथ एल ए डैश हो जा रही है। तो ये जो एल ए डैश हम लिख रहे हैं, एल ए डैश, इसका मतलब ये एल नॉट इनिशियल था वन प्लस एल्फा ए इंटू डेल्टा टी के बराबर है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वन रॉड। सिमिलरली थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अनदर रॉड बी का जो आएगा उसकी लेंथ को हम बोलेंगे एल बी डैश। तो एल ए डैश एंड एल बी डैश दे आर नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड ए एंड बी आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेचुरल लेंथ का मतलब वेन दे वर नॉट बाउंड टू दिस सिस्टम। सर पर वो टेम्परेचर बढ़ाने पे कंप्रेस क्यों हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है? हाँ, वो पॉइंट ही तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए। आप इसको दो तरह से वॉच करो, पहले ही देखो आपका ए अलग है बी अलग है। सो अगर हमारे पास ए सेपरेट रॉड रहता तो एल नॉट से वो एल ए डैश हो जाता, और बी होता तो एल नॉट से एल बी डैश हो जाता। अब इशू क्या होगा कि बी का जो थर्मल एक्सपेंशन है ज्यादा है, बी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहेगा, ए कम एक्सपेंड करना चाहेगा। तो अगर बी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहेगा तो फिर बी ऐसे आगे निकल जाएगा, लेकिन सिंस ये इस तरह से पिवटेड हैं कि ये इनकी जो फाइनल लेंथ रहेगी वो बराबर रहेगी, कोई बड़ा नहीं रहेगा कोई छोटा नहीं रहेगा, तो फिर नेचुरली बड़ा छोटा हो रहा है, फोर्सफुली आप उसको बराबर करना चाह रहे हो। तो ए बेसिकली इतना बनना चाह रहा था लेकिन बी उसको फोर्स लगाएगा क्योंकि बी ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो देखो ये बी ने ए पर फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स, उसकी वजह से इस पर ऐसे फोर्स लगेंगे क्योंकि बी ज्यादा बड़ा होना चाह रही है, बी लगा रहे हैं, मैंने यहाँ केवल ए का ड्रॉ किया है, तो उसकी वजह से ए की लेंथ बढ़ जाएगी। ए की लेंथ जो बढ़ रही है वो एल ए डैश या एल ए डेल्टा एल ए बोल दिया मैंने। सो ए की लेंथ में ग्रोथ आ जाएगा। इन केस अगर बी का एफ बी डी बनाओगे तो बी के साथ क्या चल रहा होगा, द एफ बी डी ऑफ बी विल सजेस्ट कि ये जो फोर्स आपने लगाए थे वो ए पर लगाए थे बी की वजह से, ये वाला फोर्स ए की वजह से बी पर जो फोर्स लगेंगे वो कंप्रेसिव लगेंगे। सो बी की नेचुरल लेंथ से जो फाइनल लेंथ बनेगी वो रिड्यूस हो जाएगी। ये अपनी पॉइंट उठाया सही है, बट फोर्सेस इज एक्टिंग टेंजेंशियली, यस दैट्स अ गुड पॉइंट कि वो टेंजेंशियली एक्ट कर रहे हैं। सो अगर हम लोग टेंजेंशियली एक्ट कराएंगे तो भी हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, तो ये इतना इग्नोर करके चलना है कि इनका एरिया छोटा है और ये जो टेंजेंशियल है जो शियर देने वाले हैं तो दोनों शियर दे करके उसको कंप्रेस करेंगे। सो अगर ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो और इस तरह से फोर्स लगाते हो, बी का बी डी एक्चुअली है, सो बी की लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या बी की लेंथ जो है वो कम हो जाएगी? सो बी विल गेट कंप्रेस्ड। So, उसकी जो एक्चुअल लेंथ बन रही थी या नेचुरली बन रही थी एल डैश बी, अब वो एल डैश बी नहीं रहेगी, ये एल डैश बी बन रही थी, उसके बाद ही फिर ये हो जाएगा, यानी बी श्रिंक कर जाएगा, इतने अमाउंट से बी श्रिंक करेगा या कंप्रेस करेगा, तो उस श्रिंकेज की वजह से बी पे स्ट्रेन आएगी। सो अगर ये क्वेश्चन आपको इंडिविजुअली देता है, ए के बारे में बताइए बी के बारे में बताइए, तो आप इंडिविजुअली बता लेते, लेकिन जब उसने कॉम्बिनेशन बनाया तो कॉम्बिनेशन में एक्सपेंशन होने के बाद फिर से कुछ इलोंगेशन या कंप्रेशन आने वाले हैं। किस पे इलोंगेशन आएगा, जो छोटा पड़ रहा होगा उस पे इलोंगेशन आएगा, सो दैट कि फाइनल लेंथ बराबर हो सके।
जो ज्यादा बड़ा हो रहा था उस पर कंप्रेशन आएगा सो दैट फाइनल लेंथ सिस्टम की बराबर हो सके. सो ए विल बी इलोंगेटेड फर्दर बाय डेल्टा एल ए, बी विल बी कंप्रेस्ड फर्दर बाय डेल्टा एल बी. सो इस तरह से स्ट्रेन निकाला फिर उसको यंग्स मॉडुलस से कनेक्ट कर दिया गया. स्ट्रेस के साथ में फोर्स मिल गया, एक बार फोर्स मिल गया तो दोनों के फोर्स को हम बैलेंस कर देंगे क्योंकि हमको पता है ये जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है. सो फोर्स बैलेंस कर देंगे. अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हो. और अभी बायोमेटालिक स्ट्रिप भी एक एग्जांपल दिया गया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो हम लोग उसको कंसिडर कर लेंगे सेपरेटली. अगर केवल हमारे पास दो रहे होते तो क्या फर्क पड़ता, तब भी हम लोग यही करेंगे, फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और फोर्स से स्ट्रेस को स्ट्रेन को लिंक करेंगे, इसके बाद इक्वेट कर देते हैं. ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स थे इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इश्यू बनाओ. अभी बायमेटालिक का एग्जांपल आएगा उसको भी हम लोग देख लेंगे. ये यहाँ पर मैंने बी का एफबीडी बनाया था, ये ए का एफबीडी बनाया है. ये टेंजेंशियली लग रहा है, ये पॉइंट आपका जस्टिफाइड है तो टेंजेंशियली लग रहा है, तो टेंजेंशियली से भी हम लोग उसको स्ट्रेस इलोंगेटेड होता हुआ एज्यूम करेंगे. और एज्यूम होगा फोर्स यहाँ पर लगाओ तब भी इलोंगेट करेगा, यहाँ भी लगाओ तब भी इलोंगेट करेगा, यहाँ भी लगाओ तब भी इलोंगेट करेगा, यहाँ भी लगाओ तब भी इलोंगेट ही करेगा. इसके बाद में इसका दूसरा एप्लीकेशन ये रहता है स्केल वाला. आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे स्केल के साथ कैसे डील करते हैं, तो इसमें थ्री केसेस दिए गए और इसी को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. और उसके बाद में डाउट रहता है तो मैं अलग से एग्जांपल पिक कर सकता हूँ. और अभी एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स रहे होंगे वहाँ पे भी डील कर लेंगे. जब कभी मेटालिक स्केल आएगा, सपोज कर लिए किसी चीज़ की किसी की लेंथ आपको मेजर करनी है, जब पेन पेंसिल और जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ मेजर करनी है, उसके लिए आप स्केल यूज़ करते हो. जनरली हम लोग मेटल का स्केल यूज़ करते हैं. अगर मेटल का स्केल यूज़ करते हो और टेम्परेचर आप सराउंडिंग का चेंज करते हो या किसी और मटेरियल का फॉर दैट मैटर, सो जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है उस ऑब्जेक्ट की लेंथ वगैरह चेंज होगी, साथ ही साथ उस स्केल की भी चेंज होगी जिस स्केल से हम लोग मेजर कर रहे होते हैं. तो जो हमारा स्केल है वो भी बदल जाएगा, तो उससे हमारी जो रीडिंग्स हैं वो भी बदल जाएंगी. सो अगर हम स्केल का टेम्परेचर चेंज करें या सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज करें तो उससे रीडिंग पे क्या फर्क पड़ते हैं उसको हम लोग यहाँ देखने वाले. मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे मेटालिक स्केल से जिस पर टेम्परेचर से उसकी लेंथ का चेंजेस आता है. सो कई सारे केसेस होंगे, इक्वेशन को पढ़ करके आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस केस के अंडर ही आने वाला है. जैसे पहला केस है कि केवल ऑब्जेक्ट जिसको आप मेजर कर रहे हो वही एक्सपेंड कर रहा है. सो अगर ऑब्जेक्ट ही एक्सपेंड कर रहा है इसका मतलब है कि हमारा स्केल प्रॉपर है. अब हमारे स्केल में कोई एरर्स नहीं है, स्केल हमारा जैसे वर्क पहले कर रहा था अभी भी वही कर रहा है, उस स्केल के बीच का जितना गैप पहले था अभी भी 0 और 2 के बीच का गैप वही रहने वाला है, सो दैट की उसकी रीडिंग वही आने वाली है. सो इससे फिर आपको जो फाइनल लेंथ आएगी, मेजर्ड लेंथ आएगी, वो एक्चुअल लेंथ के बराबर आ जाएगी. सो अगर हम ये मान लेते हैं कि L1 इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एट θ1 टेम्परेचर, सो अब अगर L1 को मेजर करोगे स्केल से तो L1 ही मेजर करेगा. फिर अगर टेम्परेचर आपने θ2 कर दिया तो लेट से ऑब्जेक्ट की जो लेंथ आ रही है वो L2 आ रही है, ये चेंज हो चुकी होगी. स्केल भी अभी उसको L2 ही मेजर करेगा क्योंकि स्केल के मेजरमेंट में कोई एरर नहीं है. सो स्केल विल मेजर द सेम रीडिंग व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट हैज, व्हाई, बिकॉज ऑब्जेक्ट ओनली इज एक्सपेंडिंग. सो L2 कितना हो जाएगा, तो हम बोलते हैं कि फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. यहाँ पे टेम्परेचर को थीटा लिख रहा है तो डेल्टा टी का मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल इज θ2, इनिशियल इज θ1. सो दिस एक्सपेंशन फार्मूला से हम उसकी लेंथ बता देंगे. सो पॉइंट इज कि यहाँ पर अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं वो सब यही करते हैं कि स्केल को मान के चलते कि वो एक्सपेंड नहीं हो रहा है और वहाँ से मेजरमेंट्स हो जाते हैं. सो ईजिएस्ट केस है और उसको ये फिगर से बना के दिखाया गया. θ1 टेम्परेचर पर L1 लेंथ था, टेम्परेचर आपने θ2 डिग्री किया तो ये L2 हो गया. सो एक्सपेंड कर गया, स्केल हमारा अनचेंज्ड रहा, तो स्केल हमारे इसको L1 मेजर करेगा, इसको L2 मेजर करेगा और फिर हम थर्मल एक्सपेंशन के लॉ से बता सकते हैं कि L2 कितना है. नाउ केस नंबर 2, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए केवल वही एक्सपेंड कर रहा है और आपका ऑब्जेक्ट एक्सपेंड नहीं कर रहा है. सो अगर
ओनली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंड्स और एक्चुअल लेंथ जो ऑब्जेक्ट की है वो नहीं बदल रही है. अब देखो अगर ऑब्जेक्ट आपका की लेंथ ना बदल रहा हो और इंस्ट्रूमेंट अगर आपका स्केल चेंज कर जाए एक्सपेंड कर जाए तो जब स्केल एक्सपेंड करेगा तो उसके बीच का जो गैप होता है वो बदल जाता है. जैसे यहाँ पे देखो पहले 0 0 यहाँ पर था, पहले 1 यहाँ पर था, जब ये एक्सपेंड करेगा तो 1 यहाँ पे चले जाएगा, मार्क्स भी दूर चले जाएंगे. सो जो डिविजन्स हैं वो डिविजन्स बदल जाते हैं, और अगर डिविजन्स बदल जाते हैं तो फिर मेजरमेंट्स हमारा बदल जाता है. सेकेंड पहले डिवीजन यहाँ पर था, अब देखो कि सेकेंड डिवीजन यहाँ चला गया, तो ये एक्सपेंशन की वजह से चेंजेज आने लगते हैं स्केल पर. नो ये भी केस सेकेंड केस जो है वो फर्स्ट केस जैसा है, बस रिलेटिवली हम लोग उसको वॉच करने का है. इस केस में क्या होगा, स्केल हमारा एक्सपेंड कर गया है तो जो ओरिजिनल लेंथ थी अब वो हमको कम लगने लगेगी. क्यों? क्योंकि डिवीजन्स एक्सपेंड कर चुके हैं. सो कितने से कम हो जाएगा उसको मेजर कर सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करेगा. सो जो मेजर्ड वैल्यू होगी, दिस मेजर्ड वैल्यू इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू. सो दिस मेजर्ड वैल्यू विल बी एल वन वन माइनस दिस. अब इसमें माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि ये डिक्रीज कर गया है. देखो इसमें इनिशियली एक्सपेंड किससे करता था, वन प्लस यानी अल्फा डेल्टा टी से एक्सपेंशन होता था, ये एक्स्ट्रा आता था. और अगर हमारा स्केल बढ़ गया तो स्केल अब इसको कम मेजर करेगा. कितना कम मेजर करेगा, तो वो आएगा माइनस अल्फा ऑफ स्केल, ये स्केल कम यूज करेंगे, इनटू डेल्टा टी. सो जो मेजर्ड वैल्यू होगी ओरिजिनल वन माइनस, माइनस लगाएंगे क्योंकि स्केल इंक्रीज किया है और ऑब्जेक्ट नहीं. और जो कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन लेंगे वो स्केल का लेंगे क्योंकि स्केल एक्सपेंड कर रहे हैं. थीटा टू माइनस थीटा वन, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस. इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं, दिस फॉर्मूला विल बी सुटेबल फॉर द केस व्हेन ऑब्जेक्ट डजंट एक्सपेंड, ओनली द स्केल एक्सपेंड्स. और इससे पहले वाला था दैट वाज फॉर ओनली ऑब्जेक्ट एक्सपेंड्स नॉट द स्केल. अब इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं. जनरल एग्जाम में जो पूछेगा वो दोनों को एक्सपेंड कराएगा, तो दोनों को एक्सपेंड कराएगा. तो अब देखो ऑब्जेक्ट एक्सपेंड कर रही है तो ये एडिशन आ रहा है, अल्फा ऑब्जेक्ट का आ रहा है, और स्केल एक्सपेंड कर रहा है तो वो कम रीड कर रहा है, तो उसमें इतना कम रीड कर रहा है, दोनों को कंबाइन कर देंगे, मेजर्ड वैल्यू आपको पता चल जाएगी. So next case is when both expand simultaneously. So जब दोनों expand होते हैं तो फिर हम first को और second को add कर देंगे. तो first और second को जैसे ही आप add करोगे तो alpha object आएगा ये, और ये alpha scale आएगा. मैंने आपको example लिया भी था class में कि जैसे container completely filled है water से और फिर आप heating करते हो तो relatively हम लोग gamma use करते थे. तो यहाँ पर भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम alpha relative use करने वाले हैं. अल्फा रिलेटिव का मतलब हुआ अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा स्केल, स्केल के रिस्पेक्ट में कितना एक्सपेंशन चल रहा है ऑब्जेक्ट का, वही मेजर्ड वैल्यू आएगी. और अपनी जो फाइनल लेंथ होगी या मेजर्ड वैल्यू होगी तो मेजर्ड वैल्यू को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनिशियल थी वन प्लस अल्फा रिलेटिव डेल्टा टी, द वे वी हैड डन फॉर कंटेनर केस. तो कंटेनर में गामा यूज हुआ था, रिलेटिव में यहाँ पर अल्फा. वहां पर कंटेनर के रिस्पेक्ट में लिक्विड को मेजर किया था, यहाँ पर स्केल के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे. सो ऑब्जेक्ट माइनस स्केल करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा. तो ये मेजर्ड वैल्यू आएगी. आपसे पूछेगा मेजर्ड वैल्यू बताइए, आप बता देंगे वन प्लस रिलेटिव वैल्यू ऑफ अल्फा और डेल्टा टी, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस. फिर एक्चुअल से ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है वो हम बता सकते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सपेंड हुआ है और स्केल कम एक्सपेंड हुआ है तो वो जो फाइनल मेजर्ड वैल्यू आपको मिलेगी वो इनिशियल से ज्यादा मिलेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट का एक्सपेंशन लेंथ बढ़ा रहा है, स्केल का एक्सपेंशन लेंथ की मेजर्ड वैल्यू को कम कर रहा है. सो स्पेस जो भी डोमिनेट करेगा उससे मेजर्ड वैल्यू के बारे में हम कंपेयर कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू के से. तो जैसे इसने लिखा है कि अगर अल्फा ऑब्जेक्ट अल्फा स्केल से ज्यादा है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सपेंड किया है, स्केल कम एक्सपेंड किया है, दैट मीन्स मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आने वाली है. So, बोलोगे मेजर्ड वैल्यू इज मोर देन एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू इनिशियल टेम्परेचर में थी उससे ज्यादा होगी. सिमिलरली अगर ये अदरवाइज होगा तो फिर ये अदरवाइज हो जाएगा. और ये सब नंबर्स जो दिए गए वो इसे स्केल को लेकर के दिए गए. एग्जाम्पल दिया गया कि ये एल वन था तो एल वन को ये इतना मेजर कर रहा था, एंड देन ये जो एल टू हुआ तो एल टू को इतना मेजर करेगा. स्केल के भी डिविजन्स बदल गए तो दोनों को कैसे एडजस्ट करना होता है, रिलेटिव अल्फा पे चले जाइए और आंसर बता दीजिए.
कोई कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद ये जो थ्री टाइप है ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कई सारे और भी एग्जाम्स में आता है जो आप देने वाले हो, कोई भी पूछ लेता है कि जो सिंपल पेंडुलम है ना वो, उस पर हम लोग वायर जनरली यूज करते हैं या स्ट्रिंग यूज करते हैं, सो उसका जो लेंथ है वो अफेक्ट होता है टेम्परेचर से, और अगर टेम्परेचर से लेंथ अफेक्ट होता है तो फिर आप जानते हो कि टाइम पीरियड बदलेगा, टाइम पीरियड बदलेगा तो जो पेंडुलम क्लॉक है वो स्लो डाउन और फास्ट हो जाए, तो कब फास्ट होती है कब स्लो डाउन होती है, कितने अमाउंट से स्लो डाउन और फास्ट होती है वो कैलकुलेट करने को आपसे मांगता है। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, ये एल है और एल इज द लेंथ ऑफ दिस, जी का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, 2 पाई का टेम्परेचर से कोई कंसर्न नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है वो लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Now, इसी को हम लोग रीराइट कर सकते हैं और एक्सप्रेशन बना सकते हैं। यहाँ से ये बात पता चलती है कि जब ये टी फॉर टाइम पीरियड है नॉट टेम्परेचर माय गॉड, सो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है तो टाइम पीरियड बढ़ता है, टाइम पीरियड बढ़ता है तो क्या आप बता सकते हो अगर किसी पेंडुलम क्लॉक का लेंथ बढ़ा दिया जाए तो वो क्लॉक फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी, दैट मीन्स वो टाइम को आगे बताएगी या फास्टर चलेगी टाइम के अकॉर्डिंग या स्लोवर चलेगी। स्लो टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने बढ़ाया है उससे उसकी लेंथ बढ़ेगी और लेंथ बढ़ने से उसका टाइम पीरियड बढ़ेगा, दैट मींस एक राउंड करने में टाइम जो लगने वाला है वो ज्यादा होगा। सपोज कर लीजिए सेकंड पेंडुलम अपने पास है तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, तो अगर वो 2 सेकंड टाइम पीरियड अभी ले रहा था तो अब 2 से ज्यादा सेकंड लेगा एक राउंड करने के लिए, और अगर वो एक राउंड करने के लिए ज्यादा टाइम ले रहा है इसका मतलब हुआ है कि उसका जो टाइम है वो स्लो हो जा रहा है, जो दूसरे क्लॉक है वो 1 सेकंड में एक राउंड ले रहे थे ये उससे ज्यादा सेकंड में एक राउंड ले रहा है, तो उसका सेकंड के कंपेरिजन में इसका सेकंड ज्यादा है सो ये स्लो डाउन हो जाएगी। सो अगर लेंथ बढ़ता है टाइम पीरियड बढ़ता है तो ये स्लो डाउन हो जाती है, लेंथ कम होता है टाइम पीरियड कम होता है तो वो एक राउंड जल्दी कर लेता है तो ये फास्ट हो जाती है। तो इस ये छोटी सी लैंग्वेज है इसका ख्याल रखना होता है, जनरली हम उल्टा बोल जाते हैं, सो प्रॉपरली कनेक्ट करना है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेंथ हो जाएगा और उससे टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा और स्लो हो जाएगा, लिखा भी है इसमें पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लो एंड इट लॉस इस टाइम, तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि कितना टाइम लूज किया इसने तो वो टाइम बताइए, तो डेल्टा टी अपने को कैलकुलेट करना होता है। सो इस तरह से देख लेते हैं कि लेट्स से कि फाइनल टेम्परेचर टी डैश है ये टी है तो ये एल डैश हो जाएगी एल हो जाएगी, तो ये एल प्लस डेल्टा एल आ जाएगा ये एल हो जाएगा, इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस कुड बी रिटन एज 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल और यू कैन राइट लाइक दिस, दिस रेज टू पावर हाफ, फिर आप पाओगे डेल्टा एल जो इंक्रीज इन लेंथ होता है और जो एक्चुअल लेंथ होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है, इंक्रीज इन लेंथ बहुत मार्जिनली बहुत छोटा होता है, सो ये अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं तो ये बनेगा 1/2 डेल्टा एल बाई एल। अच्छा जो डेल्टा एल बाई एल है उसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन से, तो ये बनेगा हाउ मच अल्फा डेल्टा टी, सो हाफ अल्फा डेल्टा टी, सो ये जो अल्फा डेल्टा टी आया ये टी फॉर टेम्परेचर या डेल्टा थीटा लिख दे रहा हूँ मैं इसको, सो ये जो आ रहा है दिस इज बेसिकली यू कैन से कि एक्स्ट्रा जर चला जा रहा है इसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं, तो आगे किया गया डेल्टा एल को एल अल्फा डेल्टा डी रखा गया है, फेस को प्लेस किया गया है, सो सेम फार्मूला कैन बी रिड्यूस लाइक दिस, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आया टेम्परेचर जो इसने गेन किया है लॉस किया है वो ये हो जा रहा है, वहाँ पर हम लोगों ने निकाला था और इस पर टी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है, तो इसको आपको याद रखना है ये फाइनल एक्सप्रेशन है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप इसको पिक कर लीजिए चलेगा, पूछेगा कितना टाइम लॉस हो रहा है, सो टाइम लॉस डेल्टा टी इज अ टाइम लॉस, सो अगर किसी टी टाइम पे लॉस के बारे में बात करेगा तो टी टाइम के लिए बात करेगा तो यहाँ से अपने को डेल्टा टी बाई टी निकाल लेंगे और टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी याद रख सकते हैं ये डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, जहाँ पर टी के तो मैं ये इस हेडिंग को आपको इस पॉइंट को पढ़ लेना है, टाइम लॉस है डेल्टा टी, कितने टाइम में टाइम लॉस है, कई बार ऐसा बोलेगा कि 1 आवर में बताइए, 2 आवर में कितना लॉस करता है, 1 डे में कितना लॉस करता है, एंड डेज में कितना लॉस करता है, तो एक टाइम ड्यूरेशन देगा उसमें कितना टाइम लॉस हुआ उसके बारे में बात करेगा, सो डेल्टा टी इज अ टाइम लॉस,
और टी टाइम में कितना टाइम लॉस हुआ है. सो उसको अगर आप लिखोगे तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी डैश इंटू टी, और डेल्टा टी बाई टी डैश कितना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो. सो डेल्टा टी ये है, टी को इधर से डिवाइड कर लो तो ये अल्फा डेल्टा टी के बराबर हो जाता है. ये आपके पास दिया गया, तो यहाँ से डेल्टा टी कैलकुलेट करोगे, टी डैश कैलकुलेट कर लोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे. और आप चाहोगे तो टी डैश को टी भी लिख सकते हो, तो रफली इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी. सो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी के बराबर हो जाएगा. आपको क्या क्या दिया जाएगा, अल्फा के बारे में बताएगा कि उसका जो थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशियंट है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशियंट है, जो वायर यूज किया गया है वो अल्फा है. टेम्परेचर चेंज बताएगा और कितने ड्यूरेशन में बताएगा, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना टाइम लॉस हुआ है वो पता चल जाएगा. अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है, टेम्परेचर आपने अगर ड्रॉप किया है, यानी कि आप पेंडुलम क्लॉक को किसी कोल्डर प्लेस पे ले गए हो, तो आप पाओगे कि वो फास्ट हो जाता है. तो कई बार आप ऐसे आपसे ऐसा पूछता है कि समर डेज हैं और विंटर डेज हैं, क्लॉक क्या सेम टाइम चलता है, तब बोलोगे नहीं, पेंडुलम क्लॉक जो है वो अपना टाइम एडजस्ट करता रहता है. समर डेज में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये स्लो डाउन होता है, और कोल्डर डेज पे या विंटर डेज पर टेम्परेचर कम हो जाता है तो उसका लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, टाइम पीरियड कम हो जाता है तो फास्ट हो जाता है. कितना टाइम गेन और कितना टाइम लॉस करेगा वो बता सकते हो. तो टाइम गेन करना हो तब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम लॉस करना हो सेम फॉर्मूला आपके लिए काम करेगा. और ये क्वेश्चन दिए गए, आप इसको ट्राई कर लीजिए, उससे आपको आंसर पता चल जाएगा. सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. आइसोट्रॉपिक मटेरियल, अनआइसोट्रॉपिक मटेरियल दोनों के बारे में बात कर चुके हैं. अल्फा की डायरेक्शंस कैसे होती है, क्यूबिकल, इसको क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं, लोगों ने वॉल्यूम बोला था, चलता है. एंड देन टेम्परेचर स्केल के बारे में हम लोगों ने आइडिया लिया है कि इस तरह से रिलेशन चलता है. इस रिलेशन को यूज करके हम बता देते हैं कि कौन सा टेम्परेचर किस तरह से कैसे लिंक है. एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा. दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बॉयंसी फोर्स, इस पर भी क्वेश्चंस बनाते हैं. तो बॉयंसी फोर्स पर क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, इसको मैंने क्लासरूम में एग्जाम्पल लेकर के नहीं बताया और यहाँ पर है, इसलिए हम लोग इसको यहीं पर समझ लेते हैं. नो, जब किसी ब्लॉक को किसी लिक्विड पे अगर आप डालते हो, फ्लोट करता है या सबमर्ज रहता है, जो भी स्टोरी है वो सारा फ्लूइड की स्टोरी है. फ्लूइड के बारे में आप जानते हो कि क्या क्या चलता है. नो, अगर इसी सिचुएशन में टेम्परेचर चेंज कर दो, तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है उसको समझना है. तो टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होता है, और कंटेनर या फिर जो भी कंटेंट है वही रहेगा, तो मास वही रहेगा, तो डेंसिटी भी चेंज होती है. तो इसको समझने के लिए हमको पहले यह समझना जरूरी है कि डेंसिटी पे कैसे फर्क पड़ता है. तो कई बार वो डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछता है, तो प्रोबेबली इसमें कहीं डेंसिटी दिया गया होगा. ये दिया गया, इस ये 6 पॉइंट है डेंसिटी वाला. सो टेम्परेचर चेंज करने से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, अगर हमको वॉल्यूम पे फर्क पता है, मास कांस्टेंट है, तो डेंसिटी के फर्क को हम पता कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है मास डेंसिटी वॉल्यूम में आपस में एक रिलेशन चलता है. सो इनिशियल डेंसिटी अगर रो इनिशियल दिया गया है, मास एम है, वॉल्यूम वी है, इनिशियल वॉल्यूम है, तो हम ये रिलेशन बना सकते हैं. ये इनिशियल वॉल्यूम की बात कर रहा होगा. अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया है तो मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो वॉल्यूम को वी फाइनल बना देंगे. वी फाइनल ये होता है, हम लोग जानते हैं, वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. सो फाइनल डेंसिटी हमको ये मिल जाएगी, फाइनल डेंसिटी का एक्सप्रेशन ये मिल गया, ये वी फाइनल वी इनिशियल था, या फिर वी रखो चलेगा. अब आपके पास एक रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये, बस सिंपल स्टोरी है, आपको पढ़ने से भी समझ में आ जानी चाहिए थी. इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर दोगे तो आप देखोगे एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वी आई से वी आई कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास जो बचेगा कुछ ऐसा बचेगा, रो इनिशियल डिवाइड बाई रो फाइनल इज इक्वल टू, अपसाइड से पूरा गायब हो गया, 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी. अगर यहाँ से रो फाइनल कैलकुलेट करो तो ये निकल के आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू समथिंग इम्प्रॉपर, आई थिंक कि अदरवाइज हो गया, रेशियो में था ये तो ऊपर जाएगा.
जब इसको आपस में इनिशियल को मैंने ऊपर रखा, फाइनल को नीचे रखा, तो एम बाई वी चला गया और एम ऊपर से चला गया, तो ये रेशियो में होगा 1/v में. सो ऐसा लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा लिख दो दिस, इसके ऊपर 1 था, तो बेसिकली ये बनेगा 1 + γ δt. आप चेक कर लीजिए. सो रो फाइनल जो अपने पास आने वाला है वो रो इनिशियल डिवाइड बाई 1 + α γ δt होता है. ये भी एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, काम का है, इसको याद रख सकते हो. फाइनल डेंसिटी और इनिशियल डेंसिटी आपस में इस तरह से लिंक्ड होते हैं. आप वॉल्यूम को जानते हो तो वॉल्यूम से डेंसिटी निकाली जा सकती है. बट क्या होता है कि कई बार ये जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन होता है या डेंसिटी चेंजेस होते हैं वो कम होते हैं. तो ये जो गामा की वैल्यू तो कम होती है, डेल्टा टी भी कम होता है, तो 1 + 1 के आगे जो गामा डेल्टा टी की वैल्यू है वो छोटी होती है. तो इसी नंबर को हम ऊपर ले आते हैं तो -1 हो जाता है. तो फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी और 1 + γ δt^(-1) कर सकते हैं. फिर सिंस ये नंबर छोटा होता है तो इसको एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन या जो भी आप जानते हो, तो इससे अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये जो नंबर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है. 1 + x^(n) कैन बी रिटन एज 1 + nx इफ x इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1. सो उससे ये फॉर्मूला बन जाता है. सो आप इसको भी याद रख सकते हो. अगर ये यूज कर सकते हो तो इसको यूज कीजिए, ये ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देगा. और अदरवाइज आप इसको यूज कर सकते हो, अगर जहाँ भी कॉम्प्लिकेशन नजर आए तो उसमें सेकेंड वाले को भी यूज कर सकते हो. इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड आंसर है और ये हमारे पास एक्चुअल वे है कि किस तरह से डेंसिटी बदलती है. सो इस पर भी बेस क्वेश्चन रहता है कि डेंसिटी कभी बदलती है नजर पूछेगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो. सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. नो सिंस डेंसिटी बदल जाती है टेम्परेचर चेंज करने से, तो फिर बायंसी बदलेगा, क्योंकि बायंसी में हम लोग डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूज करते हैं. सो बायंसी बदलता है. तो अब हम लोग बायंसी के बारे में समझ सकते हैं कि बायंसी में और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं. ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ कैसे इसका डेरिवेशन आया और कैसे दिखाया गया. सपोज के लिए ब्लॉक है और ये लिक्विड पे डाला गया है और टेम्परेचर बढ़ाया है आपने या चेंज किया है, तो देखोगे कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी बदलेगी और जो ब्लॉक है ना उस पर भी चेंजेस आएंगे, वो भी एक्सपेंड करेगा, उसकी भी डेंसिटी बदलेगी, उसका भी वॉल्यूम बदलेगा. तो वो आपको एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स देगा मटेरियल का भी जो ब्लॉक है और लिक्विड का भी जिसपे वो सबमर्ज्ड है. सो अगर कोई इनिशियल टेम्परेचर पर हम बायंसी लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, सबमर्ज्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेविटी. सबमर्ज्ड वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो सबमर्ज्ड है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक जो सबमर्ज्ड और लिक्विड का डेंसिटी और ग्रेविटी. अगेन ग्रेविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो क्या क्या फर्क पड़ेगा वो हम आपको बता देते हैं. इसका वॉल्यूम बदलेगा तो समझ वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड में फर्क पड़ेगा और ग्रेविटी में फर्क पड़ेगा. क्या फर्क पड़ता है नेक्स्ट पिक्चर में मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इसने डायरेक्ट लिखा हुआ है, बीच के स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनकेस अगर आपको कैच नहीं हुआ. अब अपने पास ये सिचुएशन है, ये डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की इनिशियली और ये डेंसिटी है लिक्विड की और ये इसका वॉल्यूम था. इसके वॉल्यूम में जो हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम, वो सबमर्ज्ड वाला वॉल्यूम लिखेंगे. अच्छा बताइए जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है क्या वो चेंज होगा, वॉल्यूम में कैसे चेंजेस आते हैं. तो वॉल्यूम जो फाइनल बनता है हमारे लिए वो इनिशियल वॉल्यूम 1 + γ δt होता है. अभी गामा किसका लिखना है इस पर ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो गामा आपको कंटेनर का भी दे सकता है और लिक्विड का भी दे सकता है, ब्लॉक का भी दे सकता है. तो ये हमको ब्लॉक के बारे में बात करनी, इसलिए ब्लॉक का गामा लिखना है कि ब्लॉक के वॉल्यूम में कितना एक्सपेंड हुआ है. तो ब्लॉक का जितना वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा उसको हम लिखेंगे फाइनल वॉल्यूम. तो जो वॉल्यूम वाला टर्म था उसको हमने ये लिख दिया. अगर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड है तो ये वी जो होगा वो इनिशियली कम्प्लीट वॉल्यूम के बारे में बात करेगा, पार्शली सबमर्ज्ड है तो ये पार्शियल के बारे में बात करेगा इनिशियल. इसके बाद ये नंबर देखो, जो फाइनल डेंसिटी होगी, हम जानते हैं कि जो फाइनल डेंसिटी होती है वो इनिशियल डेंसिटी डिवाइड बाई 1 + γ δt होती है. अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया ना, इस पे जो गामा लगेगा वो किसका लगेगा, लिक्विड का, क्योंकि डेंसिटी किसकी यूज होती है, लिक्विड की यूज होती है.
तो इसीलिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओरिजिनल डिवाइड बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी हो गया जी, जैसा था वैसा रह गया। इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आपका बन गया ओरिजिनल वाला, और ये बन गया फैक्टर जो एक्स्ट्रा आ रहा है। सो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, जो बायंसी फाइनल होगा ओरिजिनल बायंसी इंटू ये फैक्टर से दिखाया जा सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बायंसी फोर्स आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट इज लेट्स से डैश बायंसी फोर्स जो कि ओरिजिनल था और ये फैक्टर आएगा 1 प्लस गामा ऑफ बी डेल्टा टी डिवाइड बाय 1 प्लस गामा ऑफ एल डेल्टा टी, ये फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कई बार आपसे ऐसा पूछ लेगा कि बताइए हाउ मच द फ्रैक्शनल चेंज इन बायंसी इज, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए और ये जो है फ्रैक्शनल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। परसेंटेज चेंज कितना है, मैंने जो लिखा हुआ है ये इनिशियल टेम्परेचर पर था, ओरिजिनल था, और ये बाद में टेम्परेचर चेंज करने के बाद में आया, तो इस फैक्टर से बदल जाता है। गामा किसका यूज करना है, यू नीड टू बी केयरफुल। फिर बायंसी बढ़ेगा कम होगा उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। अगर डेल्टा टी की वैल्यू, अब इस फैक्टर को देखो, ये फैक्टर आपको डिसाइड करेगा कि बायंसी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सो अगर ये फैक्टर 1 से बड़ा आता है तो बायंसी बढ़ गया, अगर ये फैक्टर 1 से छोटा आता है तो बायंसी कम हो गया, एज सिंपल एज एनी थिंग। यहाँ पे कुछ करेक्शन दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे पहला एक तो करेक्शन ये वो ए होगा, ये बी होगा। ये जो ए में लिखा हुआ है, अगर गामा बी गामा एल से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्लॉक है वो ज्यादा एक्सपेंड करता है और लिक्विड कम एक्सपेंड करता है रिलेटिवली। सो और आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एक्सपेंड करेगा, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया और गामा भी ज्यादा है तो आप पाओगे जो न्यूमरेटर है वो बढ़ाएगा, डिनोमिनेटर है वो छोटा आएगा। कैन यू थिंक ऑफ डेल्टा टी इज अ पर्टिकुलर नंबर एंड gamma b is more as compared to gamma l, rest expressions are identical, so this will become more than 1, the buoyancy will increase. तो ये जो सिंबल बना हुआ है ये इसको करेक्ट करना है, ये buoyancy will increase, करेक्ट कर लीजिए। So if gamma of block is more than that of liquid and you are raising the temperature, then you will find buoyancy will go up. सिमिलरली अदरवाइज जो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर लिक्विड का बड़ा है इससे और टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फिर बॉयंसी डाउन साइड चला जाएगा, सही बोल रहे हैं। अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम कर दिया तो फिर यहाँ पे निगेटिव आने लगेगा, तो यहाँ भी निगेटिव आने लगेगा, यहाँ भी निगेटिव आने लगेगा, फिर स्टोरी बदल जाएगी तो फिर अपोजिट हो जाएगा। सो एक माइनर सा करेक्शन था वो भी कर लीजिए, और बॉयंसी कैसे चेंज होता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। So be ready for this kind of question, how much the fractional change in buoyancy is if temperature is raised by particular amount, liquid and object, dono ka aapko gamma ki value de dega, pata kar lega. So ek ye iska influence tha, iske baad mein ye barometer ka hai, barometer ka bhi aap similar type se work kar sakte ho. Isme bhi kya hoga, main bol deta hu ek bar ke liye, shayad aapko padhne se utna samjha na ho. जब कभी हम लोग बैरोमीटर लेते हैं तो इसमें एक ट्यूब लेते हैं, ये ट्यूब है, लेट्स से सी को ट्यूब बोल देते हैं, ये ट्यूब है और इस पे लिक्विड फिल्ड है ऐसा, और उसकी हाइट को हम लोग मेजर करते हैं, सपोज कर लीजिए इस हाइट को मेजर कर रहे होते हैं या फिर जो भी है। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लिक्विड एक्सपेंड करेगा, लिक्विड एक्सपेंशन की वजह से आप पाओगे कि इसकी हाइट बढ़ जाएगी, लेकिन कंटेनर भी एक्सपेंड करेगा, तो कंटेनर और लिक्विड दोनों एक्सपेंड करेंगे। तो अपने को क्या पता करना है, कंटेनर के रिस्पेक्ट में या फिर कैपिलरी के रिस्पेक्ट में लिक्विड कितना चेंज हो रहा है उसके बारे में पता करना है। सो यहाँ पर हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे, गामा ऑफ रिलेटिव दैट मीन्स गामा ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू दिस कैपिलरी, दिस विल बिकम गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी का वो अल्फा दे सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं अल्फा 3 से मल्टीप्लाई करने से गामा बन जाता है, तो इसको बनेंगे गामा ऑफ एल माइनस 3 टाइम्स अल्फा ऑफ सी। कैपिलरी जिस मटेरियल का है उसका अल्फा बीटा गामा आपस में इस तरह से लिंक्ड होते हैं, तो रिलेटिव आप ये यूज कर लीजिए, इसको अप्लाई कर लीजिए। तो रिलेटिव वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा,
तो हम लोग रिलेटिव वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, तो जो चेंज इन वॉल्यूम है डायरेक्टली लिख सकते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम गामा रिलेटिव इनटू डेल्टा डी. अब देखोगे डेल्टा बी निकाला गया, ओरिजिनल वॉल्यूम ये रिलेटिव है, डेल्टा डी है, ये एल ऊपर लिखा हुआ है, ये एल नीचे होना चाहिए, सबस्क्रिप्ट है. सो ये डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया. हाँ, इसमें जो क्रक्स पॉइंट आता है या फिर जो एक की पॉइंट आता है वो ये हो जाता है कि आपसे वो हाइट पूछेगा, हाइट में कितना चेंज आएगा. तो आप ये भी देखोगे कि जब इसमें आपने हीट किया तो इसका थर्मल एक्सपेंशन से एरियल एक्सपेंशन भी चलेगा, तो बेस एरिया भी चेंज हो जाएगा कैपिलरी का. तो अगर हमको हाइट इन द कैपिलरी बतानी है फाइनल हाइट, तो हम बोलेंगे फाइनल हाइट को अगर एच डैश बोलते हो तो जो डेल्टा वी आपने निकाला है वो तो यूज करेंगे करेंगे, और एक्सपेंडेड एरिया को यूज करेंगे. एक्सपेंडेड एरिया क्या होगा, एक्सपेंडेड एरिया ए डैश इज गोइंग टू बी इक्वल टू ओरिजिनल एरिया वन प्लस बीटा डेल्टा डी, और बीटा को क्या लिख सकते हैं टू अल्फा सी. नोट कर लीजिए. सो एक्सपेंडेड एरिया, ओरिजिनल एरिया नहीं लेंगे, आपको ओरिजिनल एरिया देगा, उससे हम एक्सपेंडेड एरिया ए डैश पकड़ेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी एक्सप्रेशन बनेगा वो आपको बताएगा कि फाइनल हाइट कितनी है कैपिलरी में. सो जब कभी रिलेटिव वाली स्टोरीज आती है ना कि कैपिलरी के रिस्पेक्ट में वाटर कितना राइज कर रहा है, कंटेनर के रिस्पेक्ट में लिक्विड लेवल कैसा अप साइड डाउन साइड जा रहा है, ये स्केल के रिस्पेक्ट में हमारी मेजरिंग वैल्यू कैसे जा रही है, तो हमें सर रिलेटिव टर्म को यूज कर लेने का, चेंज कैलकुलेट करने का, और उसके बाद उसको सॉल्व कर देने का. ख्याल इस बात का रखना है कि वो लीनियर वर्ड है या फिर एरियल है या फिर वॉल्यूमेट्रिक है, कब यूज करना है, क्या डेंसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, वो सारा. What happened to the level of liquid heated? हम लोगों ने बात कर रखी है कब हीट कैसा जाता है, कब एक्सपेंड करता है, कब नहीं करता है, और कितना करता है, कितना हाइट में चेंज आएगा. तो हाइट में चेंज के लिए एग्जैक्टली वही करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और एरिया से डिवाइड कर देंगे. तो ये वॉल्यूम है, ये एरिया डिवाइड करोगे, ए कैंसिल आ जाएगा, एच इन टू वो रेशियो के बराबर आ जाएगा. एरिया कौन सा यूज करेंगे, एक्सपेंडेड. इन जनरल मटीरियल इज आइसोट्रॉपिक, ये आपका क्वेश्चन है. हाँ, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है तो आपको आइसोट्रॉपिक कंसीडर करना होता है. तो इन जनरल थ्योरेटिकली दे आर आइसोट्रॉपिक, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली में दे आर नॉट. सो सिंस हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बेसिक जानना चाह रहे हैं, आइडियल कंडीशन की तरफ है, तो आप उनको, आप यू आर अलाउड टू एज्यूम देम आइसोट्रॉपिक इवन दो आइसोट्रॉपिक वर्ड इज नॉट यूज्ड. और अगर वो एनआइसोट्रॉपिक बोलेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको सोचेंगे, लेकिन एनआइसोट्रॉपिक जैसा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आपसे नहीं करा सकता है. अगर कराता है तो फिर उसका एक्सप्रेशन देगा कि अल्फा एक्स डायरेक्शन में कैसे वेरी कर रहा है, वाई डायरेक्शन में कैसे वेरी कर रहा है, जेड डायरेक्शन में कैसे वेरी कर रहा है. फिर हम अल्फा वन निकालेंगे, अल्फा टू निकालेंगे, अल्फा थ्री निकालेंगे. फिर आपको पता है कि हम बीटा को अल्फा वन अल्फा प्लस अल्फा टू या फिर जो भी दो डायमेंशन हैं, गामा के लिए अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री लिखते हैं, तो वो कर सकते हैं. सो इफ नथिंग इज सेड इट्स आइसोट्रॉपिक, तो ये आप याद रख सकते हो. ये बायमेटालिक स्ट्रिप है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और एक्सपेंशन पे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है, और आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे या फिर जो भी है कहीं ना कहीं कई बार टेस्ट में मिल जाएगा. सो वो ऐसे बोलेगा कि अपने पास दो मेटल्स हैं, उनको आप पिवोट कर या रिवोट कर दिया गया इस तरह से कि जिस तरह से भी आपने ए बी सी को किया था स्टार्टिंग वाले एग्जांपल में, यहाँ पर दो को किया है. दो और तीन करने में फर्क पड़ता है. जो उससे पहले वाले एग्जांपल में थ्री किए थे, तो अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर भी हम आयरन लगा देते, आयरन, तो आयरन क्या करता है, कॉपर को मेंटेन करके रखता. तो अगर कॉपर ज्यादा हो रहा था तो उसको कम करा लेता, और कम हो रहा होता तो ज्यादा करा लेता है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्ट्रेट रहता. लेकिन जब अपने पास दो हैं तो अब ये कॉपर ज्यादा एक्सपेंड करना चाहेगा लेस से, अगर कॉपर का ज्यादा दिया और आयरन कम होना चाहेगा, तो फिर इनमें सामंजस्य बनाने के लिए इनको बेंड होना पड़ेगा. तो जो बाइमेटालिक स्ट्रिप है ना, उसको हीट करते तो बेंड हो जाता है. और अगर ट्रिपल स्ट्रिप्स आप लेते हो फर्स्ट और लास्ट को बराबर सेम मटेरियल का यूज करते हो, तो फिर वो जैसा का था वैसा रहता है. और ये हमने लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल में देखा आज ही. नो, जब ये कर्व हो जाएगा तो आपसे जनरली ये पूछता है कि इसकी रेडियस कितनी आई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए, रेडियस बताइए, रेडियस कितना, कितने रेडियस का ये बन रहा है. उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली जस्ट बाय यूजिंग द लॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. और इसका यूज क्या होता है, बायमेटालिक स्ट्रिप का कई जगह यूज होता है. जनरली जो ऑटो कट होते हैं थर्मोस्टेट्स में, आप देखते हो ऑटो कट लगे होते हैं, तो अगर कोई सर्किट से जुड़ा हुआ है ऐसा,
बहुत लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ये सर्किट है, यहाँ पे करंट जा रही थी और सडनली क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, हीटिंग ज़्यादा होने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, ज़्यादा करंट जाएगा तो ज़्यादा हीटिंग होगा, तो एक लिमिट से ज़्यादा अगर हीट कर गया तो इसका डेल्टा टी बदल जाएगा, डेल्टा टी बदल जाएगा तो ये बेंड हो जाएगा, जैसे ये बेंड होगा तो यहाँ से कनेक्शन टूट जाएगा, तो पावर का जो करंट का जो मूवमेंट था वो रुक जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटो कट हो गया। सो ऑटो कट आप डिज़ाइन कर सकते हो मैकेनिकली एट होम बाय यूजिंग मेटालिक स्ट्रिप। सो ये एग्जांपल है और ये बताते हैं कि रेडियस का कैलकुलेशन कितना है, कैसा होता है, और ये रेडियस का फॉर्मूला है वो आप याद भी रख सकते हो, अगर क्वेश्चन आएगा वो अल्फा वन अल्फा टू बताएगा, डेल्टा टी बताएगा, डी बताएगा, आप उसका आंसर इमीडिएटली दे दोगे। कैसे ये फॉर्मूला आता है या फिर कैसे ये सोल्यूशन बनता है तो उसके बारे में लोग बात कर सकते हैं। सो ऐसा बोलता है कि आपके पास दो रॉड्स हैं और उनके थर्मल एक्सपेंशन वन टू है और टू बड़ा है वन से, तो जो बड़ा होगा वो ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहेगा और जिसका अल्फा छोटा होगा वो कम एक्सपेंड करना चाहेगा, उसी के अकॉर्डिंग इसका कर्वेचर आएगा। एक बार एग्जाम में किसी एग्जाम में उसने पूछ लिया था कि ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है और किस तरह का ये बेंडिंग करेगा, क्या इस तरह का बेंडिंग करेगा जैसे इसमें दिखाया गया, या फिर इस तरह का बेंडिंग करेगा ऊपर की तरफ, या बेंडिंग नहीं करेगा, या कुछ भी कर सकता है, तो अल्फा के कंपैरिजन से हम लोग बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर अल्फा टू बड़ा है यानी सेकेंड ज़्यादा बढ़ना चाहेगा, तो ये बड़ा होना चाहेगा ऐसा, और ये छोटा रहना चाहेगा, फिर इन दोनों में ये चलेगा कि लाइक आप बड़े कैसे हो सकते हो, तो ये फोर्सेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे, इसको कंप्रेस करेगा, इसको एक्सपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर जो सिंस जैसा आपने बोला था ये टेंजेंशियल लग रहा है, तो टेंजेंशियल केवल एक ही तरफ लग रहा है इसलिए इसको बेंड करा देता है, अगर वही टेंजेंशियल यहाँ पर होता है तो बैलेंस हो जाता। सो फिर क्या करेगा कि ये इस तरह से बेंड करा देगा, ये अपना ज़्यादा मोर लेंथ को भी मेंटेन कर सकता है और वो लेस लेंथ को भी मेंटेन कर सकता है, तो जो फाइनल बेंडिंग हुई है उस बेंडिंग में आप देखो ध्यान से कि अल्फा वन छोटा है तो इसकी लेंथ कम रही होगी नीचे वाले की, और ऊपर वाले की अभी भी ज़्यादा है लेकिन कम्प्रोमाइज है। सो अप साइड इज मोर बट कम्प्रोमाइज, डाउन साइड इज लेस बट कम्प्रोमाइज, तो हम ये बोल सकते हैं कि डाउन साइड वाला रॉड है उसकी जितनी एक्सपेंशन से आनी थी उससे ज़्यादा है, और अपसाइड की रॉड है उसकी लेंथ जितना एक्सपेंशन से आना था उससे कम हो गया और आर्क के फॉर्म में चला गया, तो फिर इस तरह से आर्क पकड़ लोगे और ये गैप देगा या फिर ऐसा बोलेगा कि डी थिकनेस की है जो भी है, सो इसने शायद इसको टोटल को डी दे रखा है, उसका ख्याल रखेगा टोटल को डी दिया है या फिर ईच को डी दिया है, सो अकॉर्डिंगली उसका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर डी इज द टोटल, यहाँ पर कुछ टोटल डी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी शायद ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है, मिसप्रिंटेड है, चेक कर लेते हैं। एंड विड्थ डी, व्हेन टू रॉड्स हैविंग एक्सपेंशन दिस एंड विड्थ डी, सो डी सीम्स टू बी इंडिविजुअल, सो डी लेट्स कंसीडर डी टू बी ऑफ इंडिविजुअल है, तो फिर ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टू डी हो जाएगा, so that will become 2D. और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। एनीवे कैसे वर्क करेंगे, तो आप देखोगे L2 कितना बनेगा, L2 की जो 2 वाली, 2 मतलब ऊपर वाली, इनिशियली इनका लेंथ कोई पर्टिकुलर रहेगा, तो लेट्स से कि इसकी लेंथ थी वो L थी, सो अपसाइड कितना जाएगा L2, L2 जाएगा L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 2 डेल्टा टी, डाउनसाइड को अगर हम L1 मानते तो L1 इज गोइंग टू बी L1 प्लस अल्फा डेल्टा 1 डेल्टा टी। अब ये तो तभी होता है ना जब ये नेचुरल रहता, बेंड हो गया तो कुछ कंप्रोमाइज चल रहा होगा तो आप उसको ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप इसको R पकड़ते हो और अगर हमको L2 लिखना हो तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, समथिंग इज फिजी, दिस इज R और लेट्स से ये एंगल थीटा बना हुआ है, तो अगर इस वाली लेंथ को देखोगे ना ये, सो अगर ये लेंथ अपने को पता करनी है तो कैन वी से कि जो ये जो डाउन साइड वाली रॉड है उस डाउन साइड वाली रॉड में ये जो लेंथ होगी ये लीस्ट अफेक्टेड होगी, ये वाली लेंथ होगी दैट्स मोस्ट अफेक्टेड, और अगर नेचुरल किसी को कंसीडर करना है तो बॉटम वाली कंसीडर कर लेते हैं, और ये L1 के
क्लोज होगी, ज्यादा क्लोज होगी. क्यों? क्योंकि इस पर असर कम पड़ा है, इस पर असर ज्यादा पड़ा हुआ है. आई गेट माय पॉइंट. डी भी चेंज होगी हीटिंग करने पे, लेकिन उसको इग्नोर करके चलेंगे. हम लीनियर की बात कर रहे हैं. रॉड बोला ना, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन. जब कभी हम लोग लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए बात करते हैं, तो उसमें जो लेंथ का इंक्रीमेंट होता है दैट इज प्रीडोमिनेटेड, और उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं. और डी के चेंज को इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज डी इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर एज कम्पेयर टू लेंथ. और वो क्वेश्चन से आपको इंटेंशन से पता चल जाएगा. अगर वो डी सिग्निफिकेंट देता है, तो फ्रॉम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को देकर के डी के बारे में भी बात कर सकते हैं, और उस डायरेक्शन को भी काउंट कर सकते हैं. जनरली डी कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्स्टेंट. ये जो मैं पॉइंट बता रहा था कि जो डाउनसाइड वाली लेंथ होगी, दैट विल बी मोस्ट रिलैक्स्ड आउट ऑफ द लोअर वन. सो अगर ये मोस्ट रिलैक्स्ड है, तो ये L1 के बहुत क्लोज आएगी. अगर ये L1 के बहुत क्लोज आएगी, तो हम L1 को ये भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली आर थीटा. आर्क लेंथ थीटा आर्क लेंथ बन जाएगा. अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इस पर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा, बट लीस्ट अफेक्टेड होगा इन द इंटायर पोर्शन ऑफ द डाउनसाइड रॉड. सिमिलरली अगर हम ऊपर वाले को मेजर करना चाहते हैं, तो L2 विल बी मेजर्ड फ्रॉम दिस वन. सो L2 इज गोइंग टू बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली आर, रेडियस हो जाएगी आर प्लस 2D इंटू थीटा. अगर डी और डी ईच है, तो अगर डी सिंगल होता है, तो फिर हम उसको डी लिख सकते हैं. सो आर प्लस 2D थीटा लिख सकते हैं. इसके बाद L1 L2 की वैल्यू रखो, थीटा को इसको आपस में डिवाइड कर दो, थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर थीटा निकालना है, तो फिर थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर डी यूज किया गया है, सो प्रोबेबली इसने ये डी लिया था, इसलिए डी यूज किया. तो इस डी को मैं 2D में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, और डी इंडिविजुअल लेंथ बता दे रहा हूँ, करेक्ट कर लीजिए. ये अपना आंसर हो जाएगा. इसके बाद ये कैसे है, बहुत इजी है. अब दोनों को आप क्या कीजिए कि L1 और L2 के रेशियो यहाँ से निकालिए पहले, और उसको बोलिए कि दैट इज गोइंग टू बी आर प्लस 2D. थीटा थीटा कैंसिल हो गया. L1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं L1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और L2 की जगह पर L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी. नाउ L और L आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से हम R कैलकुलेट कर सकते हैं. रेडियस पता चल गया, थीटा भी पता कर सकते हैं इस पे रख करके. ओके, आपके कुछ डाउट्स आए, मैं उनको देख लेता हूँ. और यस सर, सो वी कैन सी दैट द एक्सपांशन जितना होने वाला था, उतना ही ओरिजिनल लेंथ भी उतनी आई ना कर्व होने के बाद भी. ओरिजिनल लेंथ, इस पे लेंथ जैसा कुछ नहीं है, ये बेंडेड वर्जन है. तो लेंथ मेजर करने के लिए फिर आपको कहाँ पर लेंथ मेजर करो ये पता चलेगा. जैसे फर्स्ट रॉड, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि फर्स्ट रॉड को देखो ना इस तरह से. हाँ, ये सो इसका जो इनसाइड वाला पार्ट है उसकी लेंथ अलग है, आउटसाइड वाला पार्ट है उसकी लेंथ डिफरेंट है. सो ये आर्क लेंथ आने की वजह से लेंथ डिफरेंट हो गए. उनमें से जो मोस्ट रिलैक्स्ड वाला पोर्शन रहा होगा, कौन से कैन बी से कि वो ये जो फ्री एंड था वो रहा होगा, इसलिए फ्री एंड वाले को हमने L1 के कंपेयर करा दिया, और इसका जो ये फ्री एंड था उसको हमने L2 से कंपेयर करा दिया, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया. So doesn't D change on heating? Yes, D change on heating, but we will be ignoring it as the first level of approximations until analysis question explains it or asks for it. दूसरा बोलते हो सर, can't we take length of rod passing through center? वो भी ले सकते हैं हम लोग passing through the center, लेकिन since यहाँ पर logic दूसरा जा रहा है, तो अपने को relax वाला पकड़ना चाहिए. अब देखो कि अपने पास अगर ये रॉड है, फाइनल लेंथ इसकी लेट से L1 आती है, और कोई इसको बेंड कर रहा है. बेंड कैसे हो रहा है? बेंड होने के लिए इसके ऊपर एक कोई ज्यादा लेंथ वाला था, वो इसको पुल कर रहा था. पुल करने के लिए पुल करेगा, तो आप देखोगे जो पुलिंग फोर्स होगा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द मैकेनिज्म. इसको ऐसा पुल कर रहा होगा, इसको ऐसा पुल कर रहा होगा, तो जो ऊपर वाला लेंथ आएगा, बॉर्डर आएगा, that will be more expanded after this thermal expansion. यानी स्ट्रेस की वजह से या अरेंजमेंट की वजह से ये लेंथ है सबसे ज़्यादा डिफॉर्म हो जाएगी. फिर आप नीचे आओगे, वो कम डिफॉर्म होगी, और नीचे आओगे वो बहुत कम डिफॉर्म होगी. सो सबसे कम डिफॉर्म कौन सी होगी? डाउन साइड वाली. तो जो सबसे कम डिफॉर्म होगी, दैट विल बी मोस्ट क्लोजेस्ट टू द नेचुरल आफ्टर एक्सपेंशन. आई एम गेटिंग माई पॉइंट.
इफ यू गेटिंग माई पॉइंट देन यू विल बी अप्रिशिएटिंग कि जो हमने एल लिखा है, एल वन लिखा है आर थीटा, वो ज़्यादा जस्टिफाइड है. और सिमिलरली जो एल टू के बारे में बात करोगे तो एल टू की जो मोस्ट रिलैक्स्ड वाली लेंथ रहेगी वो कौन सी रहेगी, वो आउटसाइड वाली रहेगी. अगर वो डी को सिग्निफिकेंट देता है, अगर डी की वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है तो फिर ये डिफरेंसेस ज़्यादा मैटर करने लगेंगे. तो हम एक लोवेस्ट लेवल को मेजर कर सकते हैं, एक हाईएस्ट लेवल को मेजर कर सकते हैं, मिडिल को नहीं करेंगे. मिडिल को करने से फिर क्या होगा कि फिर दोनों की लेंथ बराबर बताएगा. नाउ यू सी द मिडिल इज सेइंग कि L1 और L2 आपस में बराबर है, और अगर आपने L1 और L2 को आपस में बराबर कर दिया तो फिर वो ये बोलेगा कि अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू, तो फिर हमारे जो गिवन कंडीशन है ना उससे क्लैश कर जाएगा. सो मिडिल को ना लेकर के हम एक्सट्रीम वाले को ले सकते हैं. सेंटर ऑफ रॉड वाली बात कर सकते हो तो सेंटर ऑफ रॉड भी है, दिस आल्सो हैज इशू क्योंकि दैट विल बी मोर एक्सपेंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड एज कम्पेयर टू द फ्री एंड. इसके बाद आपने लिखा है सेकेंड टू डी, नहीं डी ही होगा ना. अगर इसने डी लिखा हुआ है तो हम इसको डी लिख लेंगे टोटल को. अगर डी इंडिविजुअल है तो फिर हम यहाँ पर टू डी लिख देंगे. तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा. और मैंने क्या बोला कि इंडिविजुअल का डी है तो ये टोटल कितना हो गया 2d, तो आउटसाइड वाले कितना जाएगा r प्लस 2d थीटा. हाँ मैं समझ गया था आपका पॉइंट बाय मिडिल d बाय 2 r d बाय 2. सो आप देखोगे कि उससे भी अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर आना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा लॉजिकल है जो हम लोग फ्री रिलैक्स वाले एज को लेंगे, फ्री और रिलैक्स वाली एज को लेंगे. That will be more close to these expressions. अपने एक क्वेश्चन भी भेजा हुआ. ओके हम लोग उसको भी डील कर लेंगे. सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हुआ तो फिर हम लोग इसको एंड ऑफ कर सकते हैं. L1 आपको पता चलेगा, L2 पता चलेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, सिंपलीफाई करेंगे, वहां से अपने को आंसर मिल जाएगा. सो ये कुछ टाइप्स थे जिस टाइप के थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चन हम लोगों ने पिक नहीं किए थे एग्जाम क्लास में, और अभी उनको पिक कर लिया. इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जा सकते हैं. और एक्सरसाइज वन में आप के जो डाउट्स हों आप बोल सकते हो, और तब तक मैं आपका इक्वेशन रीड कर लेता हूँ और इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा. फर्स्ट बताना है. अच्छा ये जो क्वेश्चन है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ क्या क्वेश्चन है. मैं बताता बाकी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साइड पे सॉल्व कर देता हूँ और एक बेटर भी है. कुछ ऐसा बोल रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस दे रखी है और लेंथ भी दे रखा है. So let's say that this is cylinder. And it got its axis. This is axis. हम लोगों ने जो किया था बस उसी को थोड़ा सा और डिटेल में यूज करवा रहे हैं. And it says कि इसकी जो रेडियस है वो r है, इसका जो लेंथ है वो l है, और ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी वेरी करती है. अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के हो तो इसका हम थर्मल रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं. थर्मल रेजिस्टेंस पता चल जाता है तो फिर इसकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है.
अगर वो कांस्टेंट ओके किन किन एंड्स के बीच में ये कंडक्टर ये इस तरह से सॉलिड टाइप का है तो फिर इस दो एंड के बीच में बात कर रहे हैं दैट मीन्स यहाँ टेम्परेचर टी वन है यहाँ टेम्परेचर टी टू है सो करंट हमारा ऐसे जाने वाला है अगर टी वन ज़्यादा है टी टू कम है तो और अदरवाइज वॉट इट हैज मेड अ डिफरेंस इज दिस की जो के की वैल्यू है ना वो वैरी कर रही है कुछ ऐसा के वन एक्स प्लस के टू अगर ये k1x plus k2 है और ये किस तरह से वेरी कर रहा है ये एक्सेस से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ये एक्सेस है सो यहाँ से अगर आप x डिस्टेंस पे जाओगे x डिस्टेंस पर तो यहाँ पर जो पोर्शन बनेगा उसकी कंडक्टिविटी ये थर्मल कंडक्टिविटी बता रहे हैं अगर l के अकॉर्डिंग होगी तब भी हम लोग सॉल्व कर सकते ऐसा दिया होगा x वो भी चलेगा इसने एक्सेस से बोला है तो एक्सेस से हम लोग ही रखेंगे डिटरमाइन द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हुआ आप आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो और आर इक्विवेलेंट को के इक्विवेलेंट एल अपॉन ए बोल लो सो एल अपॉन ए को अलग करने के बाद जो बनेगा वो आपका के इक्विवेलेंट हो जाएगा तो पॉइंट इज कि इसका हमको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है हाउ टू गेट आर इक्विवेलेंट देन तो आप एक्स डिस्ट एक्स रेडियस का एक सिलेंडर कंसिडर कीजिए द वे वी हैंडल द प्रॉब्लम्स एक्स रेडियस का हो गया और इसको डी एक्स थिकनेस दे दीजिए और अगर आपने इसको डी एक्स थिकनेस दे दिया तो इस डी एक्स के पास कितना रेजिस्टेंस होगा उसको हम पता करेंगे फिर सारे रेजिस्टेंस को ऐड अप कर देंगे तो जो डी आर है रेजिस्टेंस वाला हाउ वी राइट इट एज के एल अपॉन के रादर राइट So, L means the length upon K into area. इसको carefully लिखना होता है और हम लोगों ने sphere और इसका दोनों को केस लिया था ये portion. Now, अपने को ये identify हो गया current कैसे जा रहा है current इस तरह से जा रहा है ये current जा रहा है तो current जिस direction में जाता है वो length होती है और जिस area को cross करता है वो cross section area होता है dq by dt है नो अब हम लेंथ को क्या लिखेंगे l सो लेंथ की जगह पर आप l लिख लीजिए डिवाइडेड बाय k इन प्लेस ऑफ k आप लिखेंगे k1x plus k2 देन आफ्टर वी आर गोइंग टू राइट इट एज एरिया दिस इज द शेडेड एरिया सो वो उस एरिया की वैल्यू हो जाएगी 2πx * dx ये आपका dr का एक्सप्रेशन बना और अगर ये dr का है अब अपने को टोटल r इक्विवेलेंट निकालना है टोटल r इक्विवेलेंट निकलेगा तो अपना काम हो जाएगा अब अपने को देखना है ये रेजिस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड है ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर और करंट हमारा ऐसा जा रहा है अगला स्टेप लोगे तो फिर करंट ऐसा जाएगा तो इस लाइक की रेजिस्टेंस एक ये आपका था इससे करंट जा रही फिर एक ये रेजिस्टेंस है इससे करंट जा रही फिर एक ये रेजिस्टेंस बनेगा इससे करंट जाएगी सो कैन वी से कि ये जो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है वो पैरेलल पे कनेक्टेड है सो देयर इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा भारी पड़ेगा एक अच्छा क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आ गया तो काम चल जाएगा हम लोगों ने बात किया था जब कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन आप आइडेंटिफाई करते हो तो आर इक्विवेलेंट के लिए लिखते हो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन dr So this is how equivalent is calculated in case of parallel combination. Or this is going to be equal to 1 upon dr करोगे तो ये बन जाएगा अपने लिए k1x plus k2 into 2 pi x dx divided by l. Now इसका integration कहाँ से कहाँ करना है 0 से r तक करना है radius तक अब आप देखोगे इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा 2 पाई एल बाहर आ जाएगा k1 k2 को अकॉर्डिंगली हैंडल कर सकते हैं x है x का dx है सारा कुछ हो जाएगा ये जो निकलेगा वो r इक्विवेलेंट नहीं होगा वो 1 अपॉन r इक्विवेलेंट आएगा एक बार आपका ये 1 अपॉन r इक्विवेलेंट आता है तो फिर आपको क्या करना है फर्दर r इक्विवेलेंट को लिखना है l टोटल लेंथ हमारी अभी भी l है अपॉन k इक्विवेलेंट * a एरिया को कितना लिख देंगे पाई r स्क्वायर इससे कंपेयर करा देना है आप देखोगे l अपॉन पाई आर स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और k इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी कॉपी कर लीजिए सभी लोग कॉपी कर लीजिए एक अच्छा क्वेश्चन है
और आपने जो पूछा है तो आप इसका आंसर भी चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। रीएक्सप्लेन करना किसी के लिए हाउ आई हैव रिटन डीआर एंड देन हाउ आई हैव रिटन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टफ। ओके, इस थर्मल एक्सपेंशन का फर्स्ट असाइनमेंट और एक्सरसाइज इस पे आपसे पूछते हैं कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछे, और भी आपको जो पूछना है तो आप मार्क कर सकते हो क्वेश्चंस को। फर्स्ट के बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ। इट्स इज अ स्टील स्केल है, इज टू बी प्रिपेयर्ड such that the millimeter intervals are to be accurate within this. So ये जो है वो least count type का आपको दे रहा है, that means उनके उनके बीच का gap दे रहा है, delta L की value आपको दे रहा है. The maximum temperature variation from the temperature of calibration during the reading of millimeter marks is. तो कितना टेम्परेचर वेरिएशन ये बियर कर सकते हैं ये अपने को पता करना है। इसका मतलब है आप डेल्टा एल कितना अफोर्ड कर सकते हो, और सो दैट कि इतना रीडिंग हम एक्यूरेटली मेजर कर सकें, तो उसके लिए डेल्टा टी कितना आएगा। सो अब एक स्केल बना लो, और वी डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये लेट्स स्केल है, इसका ये जीरो मार्क है, ये वन मार्क है। तो इस लेंथ को हम देखते हैं कि ये कितना मेजर कर सकते हैं, ये हमारे लिए एल हो गया। तो एल की वैल्यू अपने लिए वन हो जा रही है। डेल्टा एल हम कितना यूज कर सकते हैं, डेल्टा एल यूज कर सकते हैं 6 × 10⁻¹⁵ mm पे, वो भी मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर है, सब मिलीमीटर पे चल रहा है। अल्फा आपको दिया गया है, यहाँ से डेल्टा टी कैलकुलेट कर लेंगे। सो आप यूज कर सकते हो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल वन प्लस अल्फा वन प्लस, ये टोटल लेंथ हो रही है, डेल्टा एल केवल लिखना है, तो डेल्टा एल होगा एल अल्फा डेल्टा टी। यस, डेल्टा एल पता है, एल पता है, अल्फा पता है, डेल्टा टी कैलकुलेट कर लीजिए। सो डेल्टा टी बताएगा कि किस टेम्परेचर रेंज तक ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा ले गए तो फिर ये इतने को एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाएगा। सो यू जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, गेट डेल्टा टी, वट एवर द डेल्टा टी इज कमिंग, उसको आप यूज कर सकते हो। सो व्हाई डू वी टुक लेंथ इक्वल्स टू 1 मीटर, व्हाई वी टुक दिस, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट we are measuring the scales, right? So कोई अगर scale होता है तो scale में measure करने के लिए अपने पास divisions होते हैं। आप कितना measure कर सकते हो, error and measurement में हम लोगों ने बात किया था कि this is the least that we can measure। और अगर हम उसको और भी precise measure करना चाह रहे हैं तो अपने को ये पता होना चाहिए ना कि हम हमारा एक scale कैसे बढ़ा, ये minimum division होता है। सो अगर हम मिनिमम डिवीजन, ये तो हम एक्चुअली मेजर कर लेते हैं, और अगर स्केल की इंपॉर्टेंस है या कुछ और तरीके से अरेंज किया गया तो एक लीस्ट मेजर करता है। सो ये डेल्टा एल इज द लीस्ट मेजरमेंट और लीस्ट काउंट यू कैन कॉल इट, और ये वन स्केल, वन स्केल में कितना लीस्ट काउंट है ये, तो एक रीडिंग में, एक डिवीजन में इतना लीस्ट काउंट आता है। तो इसलिए हम एक्चुअली कितना लेंगे, एक डिवीजन का गैप देते हैं कि एक डिवीजन में कितना चल रहा है, उसके कंपेरिजन में डेल्टा एल हमको पता है, तो उसके कंपेरिजन में डेल्टा डी पता चल जाएगा। तो जो कभी ऐसा स्केल का है और आपको एरर्स के बारे में बात करें तो हम लेंथ वन डिवीजन का गैप लेते हैं कि एक डिवीजन कितना है, और वो कैसे पता चलेगा डिवीजन कितना है, मिलीमीटर इंटरवल्स में ये लिखा हुआ है, स्केल का जो इंटरवल है वो मिलीमीटर में, दैट मीन्स दिस इज 1 मिलीमीटर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वन, अगर आपने ट्राई किया है एक्सरसाइज 1, 2 और उसके आगे, या फिर कोई आपको जनरल डाउट है तो आपको पूछना है, इसके सलूशन मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिए, आप उसको देख लीजिए, उस पर आपको हिंट पता चल जाएगी, और उसके बावजूद भी डाउट रहता है तो भी आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6,
6 is here. इट्स अच्छा ये ग्राफ जैसे आपसे कुछ पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ सही होगा या वो अपने को पता करना है. इट सेज अ मेटल वायर इज क्लैम्प्ड बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स एट 20 डिग्री. दिस अनस्ट्रेन लेंथ है इज एग्जैक्टली सेपरेशन बिटवीन द वॉल है. दैट मीन्स वो नेचुरली है 20 डिग्री सेल्सियस पे. टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर उस पर स्ट्रेन वगैरह डेवलप होने की कोशिश होगी. ग्राफ बिटवीन इलास्टिक एनर्जी और टेम्परेचर पे बताना है. जनरली क्वेश्चन जो होते रहते हैं ना थर्मल एक्सपेंशन से, वो यंग मॉडलर्स या फिर जो इलास्टिसिटी वाले चैप्टर है उससे मिक्स करके रहते हैं. आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन उससे लिंक रहते हैं. सिचुएशन क्या है वो मैं आपको पहले यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ और फिर इसके बाद एक्सप्लेन कर देता हूँ. इसलिए कि अपने पास एक वॉल यहाँ पर, एक दूसरा वॉल यहाँ पर है, और इन दोनों वॉल के बीच में आपने एक मेटल के वायर को, ये रिलैक्स कंडीशन पर है. इसके बाद टेम्परेचर डाउन करते हो तो इसकी लेंथ लेट से एल है, टेम्परेचर आपको पता है, तो डेल्टा एल कितना कम हो जाएगा टेम्परेचर ड्रॉप करने से. सो डेल्टा एल की वैल्यू आएगी एल अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा टी का मतलब हुआ टी माइनस 20. अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं तो टी माइनस 20, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन होना चाहेगा तो स्ट्रेन, इसी की वजह से स्ट्रेन डेवलप होगी. और अगर हम स्ट्रेन में इसको यूज करना चाहते हैं तो स्ट्रेन में भी यूज कर सकते हैं, टी माइनस 20 आ जाएगी. अच्छा अपने को क्या प्लॉट करना है, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी. डू यू रिमेंबर इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हुआ करता था, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी इज इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो कुछ ऐसा लिखा होगा हम लोगों ने, हाफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है. और आप चाहो तो इसको यंग मॉडल से लिंक कर सकते हो. तो यंग मॉडल हमारे पास होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन. बेसिकली स्ट्रेस को हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो अपने पास डेंसिटी आती है हाफ यंग मॉडुलस स्ट्रेन का स्क्वायर. यहाँ से यू का एक्सप्रेशन मिल जाएगा. देखो ये हाफ और वाई जो है, वाई कांस्टेंट रहता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और स्ट्रेन में डेल्टा एल बाई एल है जो कि यहाँ से मिल जाएगा. तो ये बनेगा अल्फा टी माइनस 20 का स्क्वायर. अगेन अल्फा कॉन्स्टेंट है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ये टी माइनस 20 का स्क्वायर रहेगा. सो यहाँ से यू का जो वैल्यू आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी पता कर रहा है. सो हाउ इट इज डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, वी कैन थिंक ऑफ कि यू इज कमिंग एज टी माइनस 20 का स्क्वायर. सो यू इज सम कॉन्स्टेंट टाइम टी माइनस 20 का स्क्वायर. अब आप इसको प्लॉट करना चाहोगे, प्लॉट कर लीजिए. एक बार हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है तो हम प्लॉट ईजिली कर लेते हैं. और कैन वी से कि कौन सा ग्राफ जाएगा इसके अकॉर्डिंग. और भी हमारे पास कई सारे पॉइंट्स हैं. ऐसा भी बोल सकते हैं कि टी जीरो 20 पर जीरो आ जाएगा, तो 20 पर जीरो आना चाहिए, इसका मतलब डी नहीं हो सकता है, 20 पर जीरो नहीं आ रहे. और ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों में फाइट आएगी, तो उसको देख सकते हैं. और फिर वो कर्वेचर को देख करके बता सकते हैं कैसा जा रहा है. और ऐसा भी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा या कम होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी. और इस इंटरसेक्ट पॉइंट को भी देख सकते हैं, हालांकि ये कांस्टेंट पॉजिटिव वाला है अपने लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा. तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हो. एनी अदर ऑन एक्सरसाइज वन और ऑन वर्ड्स. अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है तो इसको जरूर सॉल्व कर लीजिए. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उसके बाद आप हिंट से समझ लीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 and 11, मैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में भी आइडिया दे देता हूँ आपको मेंटेन में.
here we go. It says volume of bulb of mercury thermometer is at particular temperature is V naught, and cross section of capillary is A naught. Coefficient of linear expansion of glass is given. ये alpha होगा, A लिखा हुआ है. अब alpha A भी लिख सकते हो. And cubical expansion दिया गया है पर Celsius. If the mercury just fills the bulb at zero, what is the length of mercury column in the capillary at T? अभी इसको हम लोगों ने derive किया हुआ है. Barometer वाला जो case किया exactly उसी का है. Answer भी exactly वही आएगा कि जो बैरोमीटर इसके थ्योरी वाले पार्ट में जाइए बैरोमीटर हेडिंग करके जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है और वही ऑप्शंस रहेंगे तो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अब वो वहां से इसको समझ ले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 इट्स अ मेटालिक रॉड ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ विद अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हीटेड बाय 1 डिग्री थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस यंग मॉडुलस ई दिया गया है mean coefficient of linear expansion alpha दे कई बार ऐसे टब यूज करता है mean coefficient है इसका मतलब वो वैरी कर रहा होगा उसकी एवरेज वैल्यू हमको दी गई है तो उसी को यूज कर लेंगे पर डिग्री सेल्सियस में देन कंप्रेशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द रॉड फ्रॉम एक्सपेंडिंग अलोंग इट्स लेंथ इज सो उसको एक्सपेंशन नहीं होने देना है उसके लिए कितना कंप्रेशनल फोर्स चाहिए होगा वो अपने को पता करना है सो व्हाट यू नीड टू डू इज दिस इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ एक अच्छा क्वेश्चन है अभी जैसे बाई मेटालिक स्ट्रिप देखा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिप्स देखा तो एक के बाद एक लगा हुआ था मतलब एक ऊपर एक था अब साइड वाइज भी लगा करके आपसे पूछ सकते हैं सो पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसने ऐसा बोला है कि इसको आप हीट करते हो तो इसमें डेल्टा एल का इंक्रीमेंट आएगा उसके लिए आप एल अल्फा डेल्टा ली लगा लो फिर आप इसको कंप्रेस करना चाहते हो फोर्स लगा करके उतना ही कंप्रेस करना चाहते हो जितना ही कंप्रेस हुआ है एलोंगेट हुआ था तो आप बोलोगे कि यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस दैट माय एफ बाय ए डिवाइड बाय स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल सो यहां से डेल्टा एल बाय एल बारो कर लीजिए वहां से अपने को पता चल जाएगा सो वाई इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ डिवाइड बाय ए इनटू डेल्टा एल बाय एल व्हिच इज अल्फा डेल्टा टी सो हाउ मच द फोर्स यू नीड इज दिस वाई ए अल्फा डेल्टा टी ऐसा हम लोगों ने पहले भी कभी बात की थी जब वाईडीएससी चल ये सॉरी इलास्टिसिटी वाला चैप्टर चल रहा था और इसको अगर आपने उस समय नोट नहीं किया तब ये नोट कर सकते हो अगर आप लेंथ को अनचेंज रखना चाहते हो तो आपको कंप्रेस करना पड़ेगा तो जितना थर्मल ने एक्सपेंशन किया है उतना आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा से 11th के बारे में हो गया अभी अपने पास फ्यू मिनट्स हैं तो एक क्वेश्चन मैं आपको पिक करके बता देता हूँ वो भी खास इंपॉर्टेंट का है और आपके और डाउट आएंगे तो जरूर बात करते हैं ऐसा बोलेगा कि लेट्स से अपने पास दो रॉड्स हैं अब इसको एज अ होमवर्क भी ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहें वरना मैं आपको आइडिया भी दे सकता हूँ और सॉल्व भी कर सकता हूँ ऐसा बोलेगा कि वॉल आई डोंट नो हम लोगों ने ऐसा पहले किया है या नहीं यहाँ पर दो वॉल्स के बीच में दो रॉड्स को लेंथ वाइज ऐसे कनेक्ट किया है मतलब एंड दो एंड्स को कनेक्ट किया हुआ है और ये जो वॉल्स है वो रिजिड है काफी पॉपुलर टाइप है और इसका मतलब ये जो वॉल्स है वो रिजिड है रिजिड होने का मतलब हुआ है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करने वाले हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं तो लेट्स से इसकी लेंथ वही है इसकी भी लेंथ वही है इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया वही है इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया वही ले लेते हैं ये यंग्स मॉडुलस इसका अलग है इसका यंग्स मॉडुलस अलग है इसका थर्मल एक्सपेंशन अलग है इसका थर्मल एक्सपेंशन अलग है लेंथ भी अलग कर सकते हो एरिया भी अलग कर सकते हो आइडिया आपको बस देखना है और इसको डेल्टा टी से हीट कर दिया गया फिर आपसे पूछेगा कि बताइए कितना स्ट्रेस डेवलप होता है या जंक्शन पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा या फिर जंक्शन पॉइंट हमारा कितना शिफ्ट कर जाएगा तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं सपोज कर लिए पूछता है कि ये जो जंक्शन है वो कितना शिफ्ट कर जाएगा ये बताइए तो अभी ये जंक्शन पॉइंट हमारा मिड पॉइंट पर है लेट से कि हमारा जंक्शन पॉइंट यहाँ पे आ जाता है तो दिस हाउ वी कैन सॉल्व इट और इसका मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये इतना एक्स अमाउंट का शिफ्ट कर जा रहा है यही एक्स अपने को पता करना है सो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ फाइंड एक्स पता कर पाएंगे तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ सॉल्व आप कर लीजिए क्या कर सकते हैं आप फर्स्ट रॉड को वॉच कीजिए इसको फर्स्ट मान लेते हैं इसको सेकेंड मान लेते हैं
डेल्टा टी से अगर आप हीट करेंगे तो ये अपना एक्सपेंड करना चाहेगा एग्जैक्टली जो वो थ्री डॉट्स वाला या बायोमेट्रिक वाला देखा वही रूल्स यहाँ पे भी लगने वाले हैं. ये वन वाला एक्सपेंड करना चाहेगा ऐसा, टू वाला एक्सपेंड करना चाहेगा ऐसा, प्रॉब्लम हो जाएगी. कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशंस आएंगे, स्ट्रेंस आएंगे, फिर फाइनली कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे. तो जो बंदा अगर फिकर है ये फाइनल एडजस्टमेंट है. तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो एक्स है वो फर्स्ट के इलोंगेशन थर्मल एक्सपेंशन से कम है, और क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा रहा होगा कुछ तो कंप्रेस हुआ होगा. सो उसको कैसे डील करेंगे, तो पहले थर्मल एक्सपेंशन देख लेते हैं फर्स्ट रॉड के बारे में. अगर फर्स्ट को आप वॉच करते हो तो थर्मल एक्सपेंशन से कितना जाएगा, कैन वी से कि थर्मल एक्सपेंशन से जो डेल्टा एल वन बनने वाला था वो एल अल्फा वन डेल्टा टी बनने वाला था, लेकिन उस पर कुछ फोर्स लगे होंगे, फोर्स लग करके वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा. कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, ये थर्मल वाला पार्ट था. और डेल्टा एल वन डैश अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वाली बात करते हो तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ डिवाइड बाई ए वाई, एफ एल डिवाइड बाई ए वाई लिखते हैं. यू रिमेम्बर दैट एफ कॉमन फोर्स होगा, इसको इधर ये पुश किया होगा, इसको इधर ये पुश किया होगा, दोनों बराबर रहा होगा. वहाँ पर टेंजेंशियली लग रहा था, यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है. और लेंथ सेम थी, एरिया सेम रखा है मैंने, ये वाई वन हो जाएगा. नाउ फर्स्ट के लिए ये थर्मल एक्सपेंशन से बड़ा है, पॉजिटिव लेंथ आई होगी, ये कंप्रेस किया गया होगा क्योंकि फोर्स कंप्रेसिव है, फिर भी टोटल हमको एक्स दिख रहा है. तो कैन वी से कि जो एक्स की वैल्यू रही होगी पॉजिटिव दिख रहा है, यानी इलोंगेटेड दिख रहा है. सो कैन वी से कि दिस हैज टू बी एल अल्फा वन डेल्टा टी माइनस एफ एल अपॉन ए वाई वन. आपको ये माइनस समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो अपना काम हो गया. दैट मीन्स फर्स्ट रॉड के बारे में हमने थर्मल एक्सपेंशन एज वेल एज दिस इलास्टिसिटी दोनों को कंबाइन कर लिया. नाउ कम टू द रॉड नंबर टू, व्हाट हैपेंस टू द रॉड नंबर टू, उसका भी थर्मल एक्सपेंशन हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा. हाउ मच दैट विल बी एल लेंथ अल्फा टू डेल्टा टी, लेकिन उस पर भी कंप्रेशन रहा होगा. आप पाओगे इसका कंप्रेशन जो है इलास्टिक यानी फोर्स की वजह से वो ज्यादा रहा होगा. तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स द लेंथ डिवाइड बाई एरिया द यंग्स मॉडुली. ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका निगेटिव है. पॉजिटिव मतलब इंक्रीज इन लेंथ, निगेटिव मतलब डिक्रीज इन लेंथ. ओवरऑल इसका डिक्रीज हो रहा है एक्स अमाउंट से, तो सिंस ओवरऑल इसका डिक्रीमेंट है एक्स अमाउंट से, तो एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे एफ एल अपॉन ए वाई टू माइनस एल अल्फा टू डेल्टा टी. ये आपको समझ में आया, ये टोटल कंप्रेशन था, उस कंप्रेशन में इलोंगेशन कम कर दिया तो अपने को जो बचा वो कंप्रेशन, टोटल कंप्रेशन बचा या फाइनल कंप्रेशन बचा. अपने पास दो रिलेशंस हैं, एक ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन है. और अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कर डालिए. क्या करना होगा इसके बाद, देन आफ्टर यू नीड टू इक्वेट द टू. जैसे इक्वेट करोगे एफ की वैल्यू निकल आएगी, एफ की वैल्यू निकल आएगी. सो यूजिंग दिस टू वी कैन फाइंड आउट टू थिंग्स, एफ एज वेल एज एक्स. एक्स मिल गया तो हमने को ये पता चला कि जंक्शन कितना शिफ्ट हुआ है, और एफ पता चल गया तो उससे स्ट्रेस बता सकते हैं और इंट्रैक्टिव फोर्स बता सकते हैं. एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको एज ए नोट में ऐड कर लीजिए और एफ का एक्सप्रेशन निकाल के रख लीजिए, एक्स का एक्सप्रेशन निकाल के रख लीजिए. एग्जाम में आएगा तो एटलीस्ट आपको एक्सप्रेशन से कुछ याद आएगा कि आप गलत तो नहीं हो रहे हो, और आपने एक दो बार और सॉल्व किया तो आपको एक्सप्रेशन भी याद हो जाएगा. यहाँ पर लेंथ में कुछ ऐसे इश्यूज नहीं है कि कौन सी लेंथ मेजर करनी है, क्योंकि सेम अमाउंट का यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन वाइज कंप्रेस और एलोंगेट हो रहा होगा, अनलाइक द केस इन बायोमेट्रिक बायमेटालिक. सो अगर आपने ये कॉपी कर लिया, आपका इक्वेशन है 12 जो आपने पूछा है, मैं उसका भी आंसर दे देता हूँ. प्लीज डू कॉपी दिस, इट्स इम्पोर्टेंट. एंड क्वेश्चन नंबर 12. Yes. Sir, in the question which we did right now, sir, we can directly find out like delta L equals FL upon AY. So we'll take delta L upon L equals to alpha delta T. We can do that. And then we'll equate the forces. Can you speak again? I missed it. Sir, we'll check delta L equals to FL upon AY. So okay. We'll take L at one, like in below delta, so it will be delta L upon L equals to F upon A Y, and then we'll equate the F with the other rod.
यू वांट टू से कि आप डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए वाई लिखना चाहते हो फॉर एंटायर स्टफ नो फॉर इंडिविजुअल रॉड्स एंड देन वी विल टेक वी विल फाइंड आउट एल दैट इज एल सॉरी एफ सो एफ विल बी अल्फा डेल्टा टी इनटू ए वाई एंड देन वी इक्वेट फॉर बोथ ऑफ देम ओके सो यू वांट टू से कि एफ की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं समथिंग इफ यू सी अपने ये एक्सप्रेशन वाला सेकंड डेल्टा टी इनटू वाई ओके इनटू ए वाई ओके 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 या कैन ये आप वहाँ से निकाल रहे हो चलेगा ए वाई सो सर एंड देन द ये बेसिकली ये आपको ये बता रहा है अल्फा डेल्टा टी बता रहा है एल अल्फा डेल्टा टी हां एक ही बात है तो इसे मिलेगा क्या आपको देन वी कैन इक्वेट द बोथ द फोर्सेस एंड फाइंड आउट व्हिच इज लाइक व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन आई एम वरीड whether you will be able to find but whatever you said they are correct but will that be useful over here I need to see अपने f यहाँ से निकाला और उससे f निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करना चाहते हैं then don't think so क्योंकि इस पर आपने थर्मल को ट्रीट किया है और आप बेसिकली क्या कर रहे हो नहीं नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा इस पे जो फंडामेंटल इश्यू जा रहा है वो क्या जा रहा है वो ये जा रहा है कि यू आर बेसिकली इक्वेटिंग द टू दैट मीन्स थर्मल की वजह से जो लेंथ का चेंज आ रहा है और इलास्टिसिटी की वजह से जो लेंथ का चेंज आ रहा है आप दोनों को सेम क्लेम कर रहे हो हम ऐसा सेम क्लेम नहीं कर सकते हैं हाँ ऐसा आप कब कर सकते हो जब उसने ऐसा बोला हो कि ये आपका जंक्शन चेंज नहीं होता है दैट मीन्स एक्स जीरो हो जाता है सो अगर एक्स जीरो क्लेम करता है तब आप इसको यूज कर सकते हो और जैसे ही आप एक्स को जीरो करोगे तो आप देखोगे जो आप बोल रहे हो वही चीज हो जा रही है फिर आप इक्वेट कर सकते हो सो दैट विल बी एप्लीकेबल जो आपने बोला ओनली इफ द क्वेश्चन सेज कि जंक्शन रिमेन्स वेयर इट वॉज एक दो बार ऐसा पूछा है उसने कि जंक्शन डजंट चेंज इट्स लोकेशन व्हाट हैपेंस टू हाउ मच द फोर्स इज एक्टिंग तो फिर आप डेफिनेटली ये कर सकते हो या फिर अननोन नंबर्स बता सकते हो या फिर जो भी रेशियो पूछा जाए वो बता सकते हो सो जो दिस कैन बी अप्लाइड ओनली इफ जंक्शन इज नॉट चेंजिंग ये जो क्वेश्चन मैंने किया वो थोड़ा सा ऊपर डीपर चला गया इस पे आप जंक्शन को भी चेंज कर रहे हो दैट मीन्स यू आर अलाउविंग इट टू दिस सो जो थर्मल एक्सपेंशन है और जो इलास्टिसिटी के नंबर्स हैं वो अलग अलग है और इसे एक पॉइंट और आप अपने नोट्स में या ब्रेन में नोट कर लीजिए कि जो हम लोग एफ को ए वाई अल्फा डेल्टा टी लिखते हैं ये तभी अप्लीकेबल होगा जब हम दोनों की डेल्टा एल को बराबर कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन का और इलास्टिसिटी का अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपने ये वहीं से ड्राइव किया था ना कहाँ से ड्राइव किया था डेल्टा एल को लिखा था एल अल्फा डेल्टा टी और फिर डेल्टा एल को लिखा था एफ एल अपॉन ए वाई फिर दोनों को बराबर किया था तो जब दोनों को डेल्टा एल बराबर होते हैं पहला वाला डेल्टा एल है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर दूसरा वाला है बिकॉज ऑफ दिस इलास्टिसिटी एंड इफ दिस टू नंबर्स आर इक्वल देन यू कैन राइट दिस अदरवाइज यू कांट ओके तो ये भी एक अपना ब्रेन में ऐड कर लीजिए कई बार गलती से हम इस फॉर्मूले को हर जगह यूज कर लेते हैं नॉट नेसेसरी गॉट इट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूँ द लॉस इन वेट ऑफ अ सॉलिड व्हेन इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज डब्ल्यू नॉट एंड एट टी डिग्री सेल्सियस इज डब्ल्यू इफ क्यूबिकल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एंड ऑफ लिक्विड इज दिस रिस्पेक्टिवली देन डब्ल्यू इज इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ अ सॉलिड इन इनवर्स ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 को आप सॉल्व कर सकते हो जब हम लोगों ने बायंसी के बारे में बात कर लिया है लॉस इन वेट का मतलब होता है कि वेट माइनस बायंसी सो लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड व्हेन इट इनवर्स इन अ लिक्विड इज दिस सो आप ऐसा लिखोगे कि वेट माइनस बायंसी इज इक्वल टू लॉस दैट इज सॉरी लॉस बोला है तो वो तो रिजल्टेंट होता है लॉस का मतलब हुआ था बायंसी फोर्स
So whatever you are losing is a buoyancy force. So buoyancy force 0 degree Celsius पे आपको W naught दिया गया और T पर कितना दे रहा है FB dash that is W at T temperature degree Celsius. You remember कि अभी हम लोगों ने जब buoyancy वाला केस देखा था तो कुछ ऐसा निकाला था buoyancy final is equal to initial buoyancy और एक bracket में था ratio में कुछ उसको read कर लीजिए और सारी values आपको दी गई वहाँ पे रख लीजिए और आपको FB dash निकल आएगा जो कि W है वहाँ से आप W निकाल सकते हो कुछ रेशियो में आया था फिर ये माइनस माइनस वर्जन लिख रहा है तो आपको क्या करना है उसमें माइनस पावर वन लगा देना ऊपर ले जाना मल्टीप्लाई कर देना अप्रोक्सीमेट कर देना सो पॉइंट इज की जो बायंसी के रिलेशन है उसको यूज करके हम इसका आंसर दे सकते हैं एक बार ट्राई करेंगे आपको 100% समझ में आ जाएगा नहीं आता है तो फिर हमको बताने का आप हिंट भी देख सकते हो ओके अभी आपका टाइम हो गया है और हम लोग इसको वाइंड अप कर लेते हैं और आगे आपके डाउट्स होंगे आप चाहोगे तो फिर नेक्स्ट क्लास संडे को भी लगा सकते हैं एज अ डाउट डिस्कशन इन केस यू हैव अ डाउट टू आस्क इफ यू डोंट हैव और इफ यू हैव सॉल्यूशन एंड यू आर सब सेटिस्फाइड विद दैट देन वी कैन गो अहेड और आप टेस्ट दीजिए नेक्स्ट वीक में हम लोग बचा हुआ थर्मोडायनेमिक्स को कम्प्लीट करेंगे और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे ओके सर ये सारे थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस आने वाले हैं अब ये मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो रहेंगे क्योंकि लास्ट टेस्ट पेपर जो एडवांस का हुआ था उसमें थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस नहीं दिए थे मैंने उसकी वजह भी थी कि ये सारा डिस्कशन नहीं हुआ था और अगर मैं आपको डीपर क्वेश्चन देता तो आपको इश्यू बनता तो इसलिए थर्मल एक्सपेंशन को लास्ट एडवांस टेस्ट में अवॉइड किया था इस पर जरूर देंगे और अगर आएगा भी तो वो मेंस लेवल का ही आएगा एडवांस लेवल का नहीं आएगा तो एग्जाम का जो अपना नेचर है उसको दिमाग में रख करके क्वेश्चन आएंगे सो इसलिए आपको ट्राई तो करना ही अगर पूरा नहीं कर पाते हो तो जितना भी आपने किया है उसको और भी स्ट्रेंथन कर लो जितना आज डिस्कशन किया है उसको भी कर लो एक्सक्यूज मी सर यस सर इन केटीजी सर्टेन टॉपिक्स लाइक वेपर प्रेशर ट्रिपल पॉइंट एंड फेज डायग्राम्स आर लेफ्ट और विल बी कवर्ड इन Next lecture. Okay, you have asked this thing. So, आपके पास SCV एक टेस्ट बुक है आप उसे गो थ्रू कर लीजिए दीज आर मोस्टली थ्योरेटिकल स्टफ्स और चैप्टर वाइंड अप हो रहा होगा तो उस पर मैं ब्रीफ में बोल भी दूंगा क्या है उससे पहले आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए SCV और NCERT इवन NCERT से करते हैं तो दैट्स आल्सो विल बी फाइन आपके एग्जाम को दिमाग में रखते हुए सो इस तरह के जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं ड्यू पॉइंट हो गया ट्रिपल पॉइंट हो गया जनरली उस पर क्वेश्चन बनता नहीं है और अपने से पूछता नहीं है अगर पूछेगा तो एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा आप गो थ्रू कीजिए NCERT प्रेफर कर सकते हैं या फिर SCV कर सकते हैं इन्हीं दो बुक में से किसी भी बुक से आप कर सकते हो उसके पास अगर आपको डाउट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आता है नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लेंगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और जब ये चैप्टर वाइंड अप हो रहा होगा सो वी विल हैव अ थोड़ा सा टाइम देंगे तो जो इस तरह के टॉपिक्स हैं अगर आपको भारी लगते हैं पढ़ने के बाद नहीं समझता तो पूछ सकते हो ये प्योरली थ्योरेटिकल है और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो थ्योरेटिकल बेस पे आएगा और लीस्ट लाइकली रहता है फिजिक्स पे ट्रिपल पॉइंट और इन सब की स्टोरी बहुत बड़ी है और वो उसको मैं अभी ओपन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो आउट ऑफ द सिलेबस निकल जाता है ग्रेजुएशन में आप डीप पे पढ़ने वाले हो यहाँ पर आपको केवल उसका बेसिक आइडिया होता है कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है ड्यू पॉइंट कैसे बनता है क्या कंडीशन होती है कब फॉर्म होता है वो सारी बातें वेपर प्रेशर क्या होता है अपने लिए वो प्रेशर जैसा होता है वेपर का है फिर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं एक बार ब्रीफ अप कर दूंगा नॉट एन इश्यू ओके ओके सो दैट्स ऑल फॉर द डे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को आगे स्टार्ट करेंगे थैंक यू एवरीवन देन